छे, सुबह सुबह इनके हाथ में मारने के लिए कुछ भी होने लगती है। हिसाब में लोचा लग रहा है। बचाओ, मारे क्यों रे? अहमदाबाद की कसम, अरे मार क्यों रहे हो मुझे? मैं बताता हूँ तेरे को, शाणा बनता है भाई। टीवी ऑन कर। सारू एड छे ने, अरे मेरी कैप्सूल खाके तो आदमी बिना फावड़े के खोद सकता था, पर जलने वालों ने कंपनी सील करवा दी। मरी गयो। हकीम की औलाद, मेरे बेटे को अपनी दवाई के आड़ में मॉडल बनाया, जिसकी वजह से मेरे बेटे की सगाई टूट गई, और वही दवा उसने धोखे से मुझे खिला दी। तब से अरमान जागना बंद हो गया रे। पप्पू, ये कौन है? आपका एक छोटा भाई भी है क्या? आए, कोटिया, खड़ा कर इसको। अहमदाबाद की कसम, मैं किसी को नहीं जानता। मतलब समझा कर। ओ, अब मैं समझा क्या दुविधा है। और नहीं तो क्या, मुझे मेरा टेंशन नहीं है। मेरा पप्पू बहुत यात्रा कर चुका है, पर इसका खाता भी नहीं खुलेगा। अभी थोड़ी थोड़ी जान है पापा। इससे पहले कि इसका पप्पू भी हड़ताल पे बैठ जाए, कोई सीधी सादी लड़की ढूंढ के लाए इसके लिए। तो देर क्यों कर रहे हो, प्रोडक्शन शुरू करवाओ। अबे, इसके लिए प्रोडक्ट तू ढूंढेगा, और वो भी तेरी दवाई पूरी तरह इस पर असर दिखाने से पहले, नहीं तो मैं अपने बेटे चिरकुट की शादी। क्या नाम है उस लड़की का? सनी, मत बोलना। सनी से करवाऊंगा और तू फुकनी बजाएगा। चल निकल। अबे टक्कर को टक्कर पड़ गई। निकल यहाँ से, मूछें बढ़ा के खुद को गुंडा समझ रहा है बदसूरत छछुंदर। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ, मेरा नाम भी सुंदर है, तू छछुंदर है। क्या सही टाइम पे हीरो की तरह एंट्री मारी है यार। ये क्या है हिमेश, कितनी बार का है गुंडों की धुलाई करने के बाद खुद के कपड़े मत फाड़ा करो। देखा मुछड़, बहुत गुस्से वाला है मेरा हिमेश, रोज शर्ट फाड़ के आ जाता है, और कराटे में ये काबन ब्लैक बेल्ट है, छोड़ देगा। चूरन दे रही हूँ, डर मत। ए, क्या गुटरगु चल रहा है आपस में? ए हिमेश, ये मेरे दिमाग पे जा रहा है, जरा अपने आजकल जुराट पंच का डेमो देना। नागिन डांस दिखाने पे किसी को इतना मारता है क्या? अभी पूरी तरह तेरा बैंड कहाँ बजाया है? अगर मेरे पैसे तूने वापस नहीं लौटाए तो तुझे मार मार के सपोला बना दूंगा। इसे पावर स्ट्रॉन्ग का डोज दे। मारी किस्मत। हिमेश, क्या हुआ बाबू, बहुत जोर की लगी क्या, दर्द हो रहा है? हमें सू करू, कोई भी आके थोपट के चला जाता है। आज किसने हाथ साफ किया? पता है, शहर के सबसे बड़े डॉन लाखन लुंगी ने मुझे धमकी दी है कि एक हफ्ते के अंदर उसके बेटे के लिए दुल्हन ढूंढू, नहीं तो वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर कोई लड़की मुझे नहीं मिली तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सनी। दो टीके के इंसान, मैं क्या कोई ऑनलाइन स्टोर हूँ जहाँ पे हमेशा सेल लगा रहता है? अगर मेरी पिक्चर किसी और थिएटर में रिलीज की तो तेरे सारे सीन्स कट। अरे मारी बात, और कोई मारने आया क्या? यस मैडम, हिमेश ठक्कर का पार्सल है, साइन कीजिए। पार्सल है हिमेश ठक्कर का? जी मैडम। आजकल लोग भीख भी कुरियर से भेज देते हैं, किसने भेजा होगा? अरे मिठाई, नाक के बाल जल गए, अगर मुर्दे को सुंगाया तो जिंदा हो जाएगा। सड़ा हुआ गजरा, फ्यूज हुआ बल्ब, और एक लेटर भी है। कौन हो सकता है? पाने वाला भी हिमेश, भेजने वाला भी हिमेश। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या? माँ को हिमेश नाम से बहुत हिमेश था, बेटा हिमेश, तुम्हारा सगा वाला बाप हिमेश। सगा वाला बाप? बचपन से शक था कि इतना स्मार्ट लड़का इस कन खजूरे की औलाद तो नहीं हो सकता। सॉरी सॉरी, हाँ आगे पढ़ो। 25 साल पहले की बात है, जब वो अपनी पतली कमर मटकाकर जंगल से जंगली घास ला रही थी। वो देख, ढक ढक आ रही है। ला दे। टाइम है, तू चल लो। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए सबूत भेज रहा हूँ। क्या सबूत? जब तुम्हारी माँ से मैं पहली बार मिला तो उसे हलवा खिलाया और गजरा दिया, और इस बल्ब की मध्यम रोशनी में ही तुम्हारी जिंदगी का चिराग रोशन हुआ। आ,
आओ मेरी बिल्लियों। ये लो उस्ताद। और उस रात के बाद तो जैसे शेर के मुंह में खून लग गया हो। हर रात नया शिकार करने की चाहत अंगड़ाए लेने लगी। तुम्हारी माँ की ऐसी हाय लगी कि मैं दोबारा बाप बनने के लायक नहीं बचा। तुम्हें ये लेटर मिलने से पहले मेरी डिलीवरी स्वर्ग में हो चुकी होगी। ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि हमारा एक पुश्तैनी महल है। क्योंकि तुम ही मेरी इकलौती औलाद हो, इसलिए वो महल मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। आगे की सारी जानकारी तुम्हें इस आदमी से मिलेगी। रेशमिया खोटे, शमशान नगर, भूतिया गली, शैतानवाड़ी, ग्रेवयार्ड और कब्रिस्तान के पीछे। अकेले चले जाओगे? तुम्हारी टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। ये क्या बात हुई? जिसके साथ घर बसाना चाहते हो उसको नया घर नहीं दिखाओगे क्या? 5 मिनट पहले घर तोड़ रही थी, अब बसाने की बात कर रही हो? तमाचोपन मारी हो। बहुत जोर की लगी क्या? तो क्या सॉरी बोलूं? सॉरी बोलूं तुम्हें? मैं नहीं मारूंगी तो और कोई मारेगी क्या? बोलो। ए हवलदार, आज तो फटका मार। पहले पिता क्या? अबे पुलिस वाले को बोलता है आज तेरे सारे धब्बे निकालता हूँ। लिख के आज के बाद किसी पुलिस वाले को नहीं बोलूंगा। सुसु भले ही बाढ़ की स्पीड में आई हो, जब भी करूंगा सुलभ शौचालय में ही जाकर करूंगा। कोई खुले में करता दिखा तो पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। इन्फॉर्म करने के लिए फोन चोरी भी करना पड़े तो वो भी करूंगा, पर फर्श से पीछे नहीं हटूंगा। नेचर को बचाना है। चल अभी साइन कर। कर दिया कर दिया। आज के बाद डायपर पहन के घूमना। चल निकल अभी। चल निकल। घर तो लॉक है। मेरे को डरना दिखा तुम। ए कौन है भाई? किसे मिलने? मिस्टर रेशमिया। हाँ हूँ तो। ओ मैं हिमेश। पापा का लेटर मिला था, प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? तेरे पिताजी का मेरे पिताजी पे बहुत मेहरबानी है। काय बोलो मित्र, एकदम सही टाइम पे आया है। लाइक फादर लाइक सन। गुस गुस माता गरत गुस। उसको भी गुस्सा। रेशमिया प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास ही है ना? सही पकड़ा है। किसी दिन कोर्ट में जाके तुम्हारे नाम कर देंगे। ये अंदर कौन तड़प रहा है? तड़पने ही रहा है, मेरी बहन ठंडे पानी से नहा रही है। वो क्या है ना, हमारे घर में गीजर नहीं है। एक सवाल पूछना था तुम। माँ इते माला, तुम्हारे आशिक आवारा बाप के बारे में पूछना है ना? अरे वादे, ऐसे ढीले कैरेक्टर बाप के बारे में पूछ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना है। मेरे बारे में? मने लागे छे तुझे पहले कहीं देखा है, पर कहां देखा है ये याद नहीं आ रहा। सही पकड़े हो, मुझे भी सेम टू सेम फीलिंग आ रही है। अब बाहर आ जा। ठीक है। अहमदाबाद की कसम, अहमदाबाद में तो इससे आलीशान झोपड़े होते हैं। तुम्हारे बाप ने इसे होटल बनाने के लिए कभी रोटी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ चावल खाया, वो भी देसी घी डाल के। दाल खाते उसके पहले यमराज ने उनको ही डाल दिया। स्वर्ग में उनको 56 भोग मिले, उसके लिए होटल खोलना ही पड़ेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ना सोचो सोचो। बाप खाया बाप, औरतों के साथ मस्ती उसने की, हाय मुझे लगी। ए हिमेश, मैंने देखा तुम उस डायन को बहुत घूर रहे थे। अगर उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरे मैं तो उसे देखते हुए दुआ कर रहा था कि टॉवल ना गिरे। वो खाक रहा है, तू मेरी जलेबी फाफड़ा है। चल। हाँ सुचे, दरवाजा खुला। ये सब क्या है? कौन है तुम लोग? क्या रे डॉक्टर, 2 दिन से किसको सुई लगा रहा था बे? मेरे से भाग रहा था क्या? भाई आपसे कोई भाग सकता है क्या? बंदोबस्ती कर रहा था, खाना तो हो गया है, बस मीठा बचा है। आओ, तेरे को 7 दिन का पैकेज दिया था जिसमें से 2 दिन तूने खर्चा कर दिया। अगर अगले 5 दिन में मेरे बेटे के लिए तूने लड़की नहीं ढूंढा तो ये उसकी दुल्हन बनेगी और मेरी बहू भी। क्या लड़की है? मेरा बच्चा। Hey, Hines, what the hell is this? Who are these jungly pigs? Send them out now. Poem, Johnny Johnny no papa, eating sugar yes papa. मेरा बेटा भी अभी सीढ़ी जानता है। Follow me. हाँ।
धमकी देने के लिए बच्चे को मिलाइए। कौन था वो बदतमीज, तुम्हें धमकी क्यों दे रहा था? लाखन लूंगी, बताया तो था ना। अगर तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी हाथ लग जाए तो उसके बाद हम दोनों वहीं सेटल हो जाएंगे। आइडिया तो बहुत सरस छे, पर रंग और चूने के पैसे कहाँ से आएंगे? ढलती उम्र की हीरोइन नौजवान वर ढूंढ रही है। हिमेश ठक्कर चलाएगा चक्कर। कोई आइडिया है? पप्पा माफिक आइडिया भी गिरा हुआ है। इसमें तूफान लग रही है, इसमें अंगार लग रही है, इसमें तो बवंडर, और जूम करने पर तो ओ, मैं अगर इसके बाजू में खड़ा रहूंगा तो सच में चिरकुट लगूंगा। ये मेरे साथ शादी तो करेगी ना? है, लेकिन वो घोड़ी पर मेरे साथ तो बैठेगी ना? टेंशन मत ले, हूँ छू ना, अभी सेटिंग करके आता हूँ। कर। चार गोली एक्स्ट्रा दिया होता ना तो खड़े होने लायक भी नहीं रहता। हेलो, मैं कोई धार्मिक फिल्म नहीं बना रहा हूँ। क्या है ये नहीं, इसे थोड़ा छोटा टोपे, समझती नहीं हो? हाँ हाँ हाँ, किसी और को लूंगा तो खान हो जाएगा, इसलिए खान को लूंगा। हाँ, डायरेक्टर वो थ्री डेट वाला है ना, और हीरोइन सोनिया को ले रहा हूँ, ठीक है? हेलो, जानता मैं कौन हूँ? तेरी सोनिया पहले मेरी चंपा थी। तेरे जैसे अरे गहरे नथु खैरे रोज आते हैं, चल निकल यहाँ से भाग। अरे कुमार, मुझे नहीं पहचाना, काठियावाड़ जिम में हम लोग साथ में थे ना, तेरा पसीने वाला टॉवल सूंघ लिया था, तब से मैं कोमा में था। हॉस्पिटल में एक बार भी मिलने नहीं आया तू? हाँ, अरे क्या मसाले, लंच में लोहा खाता था क्या? सब कर रहा तू? किसको इशारे कर रहा तू? तेरी अट्ठेबाजी बहुत होगी यहाँ पर, चुपचाप कमती हो लो नहीं तो। दे दे, सॉरी दीदी, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? पहले बताओ तुम हो कौन? हिमेश, पर हेल्प मुझे नहीं चाहिए, उस गरीब को चाहिए, बेचारा बड़ी तकलीफ में है। क्या हुआ है उसको? आपके इतने बड़े बड़े फैन आपके दिल के करीब हैं, पर ये वाला मौत के करीब है। ओह माय गॉड, शरीर के हिस्सों ने उठना बैठना बंद कर दिया। उसकी अंतिम इच्छा है कि आप उसकी शादी में आए। शादी करेगा? मैनेज होगा? कर लेगा, उसकी होने वाली दुल्हन बहुत कोऑपरेटिव है। रियली? उसकी चौथी शादी है ना, और इंश्योरेंस का लालच भी है, आप आएंगी तो चैन से मर पाएगा। शादी अटेंड करेंगी ना? मैं तो आइटम नंबर करूंगी, उसे मेरे पास बुलाओ। आप ही प्यार से बुलाइए ना। क्या नाम है? चिरकुट। चिरकुट, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ, आओ ना। बस ये कोई गड़बड़ ना कर दे। मैडम, इसने सब कुछ बताया ही होगा, फिर शादी का क्या? शादी इज ओके, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत पर तरस खाकर भी तुमसे कोई शादी कर रहा है, तो तुम भी उसे खुश रखना, मुझे छूकर प्रॉमिस करो। मैडम, आपका हर हुक्म मानूंगा, बस मुझे आपके साथ एक फोटो और आपका नंबर मिल जाए। मुझे सिर्फ सोनिया कहो ना, तुम्हें अपना हर एक नंबर दूंगी, चलो फोटो खींचते। गुरु, तुम तो गुरु हो, ले लो फोटो खींचो, क्लोजअप लेना। हरी भावना, अब मुझे देखो, देखो ना। ओके, चलती हूँ, कैमरा रेडी है, शादी की डेट पता चलते ही इन्फॉर्म कर देना। मिस मी। गुरु, छू के गई। गुरु तुम कितने अच्छे हो, मेरा बाप हटेला जो तुमको परेशान करता है, तूने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। सुना भाभी ने क्या कहा? सोनिया बोल लो, मैं हनीमून के लिए नेपाल जाऊँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, एक प्रॉब्लम तो है, डेट का लोचा होगा। शादी के बाद एक्टिंग करेगी तो चलेगा ना? नहीं गुरु, पता है ना हीरो लोग कैसे होते हैं। हीरो लोग का भरोसा नहीं। पर क्या है कि सोनिया ने फिल्म के प्रोड्यूसर से 1 करोड़ एडवांस लिए थे, उसे मोटापा घटाने वाली क्रीम उसने बर्बाद कर दी। अब पैसे तो वो लौटा देगी, बस 2 साल लगेगा। 2 साल? 2 साल में अगर उसका मूड बदल गया तो? अरे मेरे पापा ने पूरे शहर को लूटा है, मैं मांग के लाता हूँ ना। बाप को बताएगा? कोई बाप हीरोइन अपने बेटे को नहीं देता। जा, तू उसका वॉलपेपर देखकर ही खुश रह। क्या गुरु, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अपने बाप को नहीं बताऊंगा, चुरा के लाऊं तो चलेगा? हीरोइन के लालच में घर में डाका डालने को तैयार हो गया डाकू। सोनिया का गाना, इस हॉट हीरोइन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। स्कूल कैट को अपनी वाइफ बनाऊंगा, इसको तो नहाना भी आता है, इसको मैं हनीमून पे काठमांडू लेके जाऊंगा, बास्केटबॉल मेरा फेवरेट गेम है। पापा, अपनी होने वाली बहू को आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो? गधे की औलाद क्या बकवास कर रहा है?
मैं गधे की औलाद तो आप गधे के बाप। देखो ये मेरी बीवी और आपकी बहू है, इससे मेरा कनेक्शन हो गया है। कनेक्शन कौन सा? प्यार का। जिस हिमेश को आप गधा फ्रॉड पाजी कहते थे ना, वो तो मेरे लिए भगवान निकला। ए, क्या बकवास कर रहा है? एक करोड़ में बहू अरेंज किया उसने। क्या, एक करोड़ दे दिया? चिल्लाते क्यों, पैसे में जंग लग जाएगा तो। वो पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाने गया है। मुहूर्त नहीं, एक करोड़ लेके उसने तुझे मुहूर्त बनाया। गधे की औलाद उल्लू का बट्टा। सुरेश भाई जा हिमेश को ढूंढ के ला। बक तिकड़े, उसके साथ कैसे फुदक रही है? उसको हटा के तू उसके साथ फुदकेगी क्या? मैं चाहता हूँ कि उसकी तिजोरी की चाबी तेरी कमर में लेफ्ट राइट करे। कैसे? ये मेरी बहन बहुत अच्छा पकाती है, गरम गरम खिलाएगी। क्या पक रहा है? वो भी इसके सामने ढोका फिर लाएगा। बहुत अच्छी कुक है, होटल में जरूरत तो पड़ेगी, रख लो। सारू सारू छे होटल राजमहल, सॉलिड नाम है नहीं? एकदम मस्त है रापचिक। खाली लिख दो फ्राइडे को फ्राइड राइस के साथ चिकन फ्री पब्लिक टूट पड़ेगी। अरे सिर्फ चिकन ही काय को, अल्कोहल भी ऐड करो ना। दारू? हाँ। मतलब तड़प के मरने का पानी। मेरे फ्रेंड को गर्लफ्रेंड ने टोपा दिया तो उसे भुलाने के लिए इसे रम का सहारा चाहिए। लड़की ने टोपा पहना है। हाँ। मैडम उतार देगी। मैडम उतारो। यस लोचा क्या है? मेरे फ्रेंड को एक चुम्मी दे दो ताकि ये अपने गर्लफ्रेंड के चमाट को भुला सके। व्हाट? जाना, क्या सोच रहा है? क्या हुआ? अरे जा। पिएगा तो ऐसे ही होएगा ना। मैडम चुम्मी दे देती तो आपके बॉयफ्रेंड का टी शर्ट पोछा बनने से बच जाता। अब तो कबड्डी की दुकान में भी नहीं बिकेगा। ए बस हो गया, बस हो गया, चल चल चल, बाकी दूसरे के टी शर्ट पे कर ले। चल अभी यहाँ से चल, गाड़ी में चलना। मेरे टी शर्ट पे मत उल्टी कर देना। अबे हंसो, पीती तो पीता क्यों है? सीधे उसको बोल नहीं सकती थी कि दारू नहीं रखते। क्या? दोस्त से उधार मांग के टी शर्ट पहने थे। अब उसे नहीं खरीद के कौन देगा तेरा भाप? स्मेल से तो लग रहा है गटर छप गया था। मैं वाटर अभी लेकर आया। When friend is near, don't fear. पता नहीं कौन से भाखड़े का चाइनीज खा के आया था। डल डल डल, ये बात है, इसे नहीं जाएगा, ये सिर्फ सुनाना पड़ेगा। अगली बार कोई बेवड़ा आए ना तो उसे बाहर से भगा देना। बात भी मत करना। ये बेवड़े को कुछ नहीं बोलने का, मेरा बाप बहुत बड़ा बेवड़ा था। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? तुम भी मदद करो ना। साबुन नहीं है क्या तेरे पास? इमरजेंसी वाला पेपर सोप है, देऊं क्या? नहीं, खाली पानी डाल। बोलो तो पॉलिश पेपर से पूरे बदन को रगड़ डालूं? ए गांडा, कम से कम परफ्यूम तो आपने। हाँ, केवड़े वाला परफ्यूम है, पाइए का है। एक कमरा मिलेगा? हाँ हाँ, एक या दो मिलेगा। वेलकम टू होटल राजमहल। पहला कस्टमर किसका? होटल का बाबा, होटल का। ओ अच्छा, या घुसा घुसा घुसा, हाथ लग घुसा। दिल से खर्चा किया है। यस मैडम, बिजनेसमैन, नो कॉम्प्रोमाइज। आपका नाम? मैं रतन सिंह और ये मेरी पत्नी पद्मा। सरुषे, अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। कमरा कोने का चाहिए या बीच का? टॉप फ्लोर, जंगल फेसिंग विंडो। ओ वाइल्ड चॉइस, ये लीजिए। बोली थी गई आएगा। खाने के बारे में तो पूछा ही नहीं, मैं फ्राइड राइस खिला के आता। जा 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 जा, घंटी बजी मतलब खाना चाहिए। राजमहल सुपर हिट है, फ्राइड राइस तैयार है। हे, आ गया आ गया, फ्राइड राइस लेकर आ गया। हाँ, पहला कस्टमर तो आ गया, अब धीरे धीरे कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। लाइट जाने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ना? क्या बॉस, लगता है सोए ही नहीं। रात भर चुड़ैल के सपने सताते रहे। क्या क्या? पूरी क्या? हाँ दे ना। खाना मत। तुम्हारे लिए गरम गरम पूरी बनाई है। प्लेट में दिल परोस दिया, दिल दिया तो दर्द भी मिलेगा। ओई माँ, तुमने तो दिल में छेद कर दिया, दिल दर्द से झटके मार रहा है। कोई बात नहीं, इस दर्द को मैं मीठा दर्द बना देता हूँ। अब मीठी मीठी गुदगुदी हो रही है। कंट्रोल कर। ऐ ऐ ऐ ऋषभ, ये जाके देख गेस्ट को कुछ चाहिए तो नहीं ना। जा जा जल्दी जा, तू भी निकल यहाँ से।
डायल, जब तक तेरा बॉयफ्रेंड छीन के रहूंगी। कुर्ता नोच दिया। दीदी तेरा देवर दी। सर, रूम सर्विस। सर, सच में सो रहे क्या? है? पहले देखता हूँ। पद्मिनी, पद्मिनी, शादी के बाद क्या क्या हुआ? कौन रो, कौन जीता? अभी मैं पता लगेगा। एक बात बता, बहुत चर्बी चढ़ी है, मुझसे प्यार से बात तक नहीं करता और उसकी पूरी पर मलम पट्टी कर रहा था। ए, तुझे उस पूरी वाली के साथ रहना है या फिर मेरे साथ? फैसला कर ले। मेरे को लगता है यह कच्छे के अंदर अंडरवेयर पहनता होगा और पसीने के वजह से दोनों को धोना चाहता होगा। धो तो लिया, फिर सोचा सुखाए कहाँ पे, तो लैंप पे डाल दिया और सफाई के चक्कर में खुद दुनिया से साफ हो गया। अबे गांडा, मरना ही था तो बिल भर के तो मरता। इनका सामान खोल के देखो, कौन है ये लोग? यार, जब लैंप दे रहा तब लाइट नहीं जा सकती थी क्या? इनका तो सामान ही नहीं और कोई मोबाइल फोन भी नहीं। मम्मी, ये क्या कर रही है तू? बेचारी टेंशन में है, इन्हें मसाज दे रही हूँ। तेरी ऐसी हरकत की वजह से यहाँ पर रेड पड़ जाएगी, शर्म नहीं आती? मालिक की सेवा में शर्म कैसी? हिम्मत सिर्फ मेरा है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उससे दूर है। मुझे धक्का दिया, आज तेरे खून से मैं अपने होंठों पे लाली लगाऊंगी, तेरी चुटिया काट के मैं कपड़े सुखाऊंगी। आज जो जीतेगा हिमेश उसी का होगा। लड़ने दो, लड़ने दो, लग रहे दो चकली बिल्ली आपस में लड़ रही है, लड़ने दो। सटक गई है क्या? तो और क्या करूं? पुलिस ने पूछा कैसे मारा तो यही बोलोगे कि ये दोनों बैठ के कच्चे धो रहे थे और लैंप का कनेक्शन इनसे मिला और इनका कनेक्शन ऊपर वाले से। पुलिस यकीन मानेगी क्या? इसमें झूठ क्या है? सच बताने से हम लोग डरने वाले नहीं है। डरना चाहिए, प्रमोशन के लिए हर एक पुलिस वाले को मुजरिम चाहिए होता है। ये क्या बोल रहा है? खरच बोल दो। और कानून? गया ऑयल लेने। अरे बाबा, आप बेकसूर हो, ये गवाही मेहमान ही दे सकते थे। अब आप ही बताओ, ये लोग तो टपक गए, तो गवाही देने वाला बच्चा कौन? सुबह की पहली मालगाड़ी पकड़ के निकल ले। पुलिस प्रूफ कैसे करेगी? तुझे पता नहीं, इधर पुलिस बंदर को खरगोश और खरगोश को बंदर बनाती है पैसे के वास्ते। तेरे को ऐसा लपेटेंगे ना कि तेरी सात पुश्ते जेल में ही पैदा होएंगी। फिर तो समझ जा कि तू जेल में और होटल सेल पे। हिमेश, रेशमिया सही बोल रहा है, पुलिस के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अगर तुम्हें जेल हो गई तो? अच्छा, पर हवे सू करूं? बॉस, काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फ्री का आइडिया दूं क्या? क्या मतलब? दफना डालो। दफना डालूं? हैं। अबे पूरी कबर मुझसे खुदवाएगा। देवा, इस मर्डर के लिए मेरे बॉस को माफ कर देना। मेरा गुनाह कहां से हो गया? बॉडी ठिकाने लगाने का आइडिया तेरा था। हाँ, लेकिन होटल तो आपका है ना, कस्टमर आया तो आपका हुआ, मरेगा तो भी आपका हुआ ना, और पुलिस पूछताछ भी आपसे ही करेगी। बॉस, आज पगार का दिन है। बेरे हो क्या? पगार बोला अंगार नहीं। सॉरी रेशमिया, क्या है कि बहुत टेंशन में हूँ, जिंदगी में पहली बार लाशों को ठिकाने लगाया ना। डोंट वरी बेटा, सॉरी मैं हूँ ना बॉस। कोई है? आगे भी खोदना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। आखिर तुम लोगों ने मार दिया ना, इस होटल का ओनर कौन है? व्हाट लवली मुंबई पावली। हूँ, ओनर छू, बोलो क्या हुआ? अरे क्यों किया ऐसा काम? आप लोग तो बड़े लोग हो। हमने क्या किया? क्या साहब, खोदा हुआ गड्ढा और थुका हुआ पान कभी छुपता नहीं। एक बात बोलो साहब, वो दोनों देखो साहब, अगर आप लोग इसी तरह से खड्डा खोदते रहे ना तो धीरे धीरे सब मर जाएंगे, देख लेना। मतलब की उल्टी कर साहब, मेरा नाम खड्डा सिंह है और मैं खड्डा खोदता हूँ। जब भी खड्डा खोदना हो तो मुझे बुला लिया करो, गरीबों का ऐसे हक नहीं मारते साहब। मेरा रेड कार्ड लीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू सर, खड्डा खोदने के लिए बुला लेंगे। रेशमिया, देखा, खड्डा खोदने वाली बात छुपती नहीं है, जमीन को लेवल करना पड़ेगा। चल, ये लाशों की बात फैल गई ना तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। उसको पता चला तो ठीक है, लेकिन पुलिस को पता चला तो? छूपना पड़ेगा। अपने खोदम पट्टी की खबर पुलिस तक पहुंच गई है। गायब? अबे पगार के दिन मैं भी ऐसे गायब हो जाऊंगा, कहां छुपूं? बॉस, कौन है? कौन बोला? किधर से? यहाँ पर्दे के पीछे, पीछे, पीछे। मम्मी मरी गई।
एक्सक्यूज मी मैडम, इस होटल का ओनर कौन है? हाँ बोलिए ना, बहुत जल्द मैं इस राजमहल के मालकिन बनने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, होटल के मालिक से मिलना है। हाँ बोलिए, मैं हूँ ओनर। फेंक रही है, यहाँ की फुल टाइम मेड है। मैं तुझे मेड लगती हूँ? शक्ल और हरकत से मेड ही लगती है। इस बंदरिया पर ध्यान मत दो, यू टॉक टू मी। दिखने में मसाज वाली लगती है। मुझे मसाज वाली बोली? मेरा बस चले ना तो कस्टमर्स के जूठे बर्तन मंजवाओ तुझसे। मुझसे मंजवाएगी? उस दिन उन्हें मसाज दे रही थी और अभी लंबी लंबी फेंक रही है। उनका टेंशन मुझसे देखा नहीं गया। बस में होता ना तो सैंडविच मसाज भी दे देती। इंस्पेक्टर को मसाज दे दे, एक काम कर, रोड पे जाके सबको मसाज दे। सबको मसाज देने का मेरा मैडम भी ये झगड़ा बाजी बंद करो। जाओ बॉस, थोड़ी नाकू फोड़ी नाकू के पहले रोके नाकू। घर से भाग के मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूं। अरे वाली बार वाली, रुक जाओ, ये तुम लोगों के औरत चाले कब खत्म होंगे? सर मैं इस होटल का ओनर हूँ, हूँ हिमेश ठक्कर छू। इन दो झगड़ालू बीवियों की वजह से धंधे में ध्यान नहीं है तेरा। सुना है पुराने खंडर को चूना मार के नया राजमहल खड़ा कर दिया। कितने लोग काम करते हैं इधर? सर काम तो कुछ है नहीं, फिर भी चार लोग काम करते हैं, मैं और वो दोनों लड़कियाँ। चौथा किधर है? रेशम के पर्दे के पीछे। ए, चल दिया ना। ओए, 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 ये तो पर्दा फाड़ू है। यही है सर, हमारा मैनेजर। इसको पहले कहीं देखा है? नहीं ये हो ही नहीं सकता। लगता है कि तू पहले सीक्रेट फिल्मों में काम करता था। लगा ना सर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब पहली बार इसको देखा था। अब तक तेरा धंधा कितना हुआ है रे? राजमहल का दरबार खाली है, अब तक बोनी नहीं हुई। सुबह से शेंडी लगाने को कोई नहीं मिला क्या? जल्दी बता कितने कस्टमर छुपाए हैं। रेशम कुछ बजा सर, अफवाह होगी सर। अरे मैं बंडल मार रहा था रे, कस्टमर आएंगे कहाँ से? पहले दो बीवियों का झगड़ा खत्म कर। दो बीवियों का दर्द मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देख मैं कुछ कस्टमर्स तेरे यहाँ भेजता हूँ, उसका तुम मुझे कमीशन देना। मेरे को ठंडा नहीं पिलाएगा? ओ जूस पिवानू, खर्चा पानी है। तू मामू है क्या? अगर लेफ्ट हैंड से दिया तो राइट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए, समझा क्या? वापस ले लेता हूँ। अभी ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। अच्छा समझ गया। इसको कहीं देखा है? लेकिन कौन सी सी ग्रेड फिल्म में देखा है ना, ये नहीं याद आ रहा है। उसमें इसका कैरेक्टर एकदम ढीला था। नहीं सर कहीं नहीं सर, कैरेक्टर पूरा टाइट है। पता चलेगा बहुत जल्दी। ढीले को टाइट करना पड़ेगा। बॉस कस्टमर्स का मेला लगाने के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। हवे तो करने, उसके लिए और पैम्फलेट छपवाने पड़ेंगे। ए देवा, ए ए थम थम थम, पढ़ू नकोस। अरे किधर भागता है? अरे रुक। रात के लिए कमरा चाहिए? आओ जाओ जो, हूँ हिमेश हूँ और ये रेशमिया। जय हिंद। ये इसे देख के स्माइल नहीं कर रही है, ये इसकी पैदाइशी आदत है, दिखाओ क्या। सुनो इस होटल में दो दो लाशें हैं। और ये तुम्हें भी मार देंगे। क्या बोल रहा है? देखिए स्माइल, चल अब तू भी ट्राई कर। कुछ नहीं बोलना। अबे कुछ तो बोल। नहीं नहीं सर। अरे बोल ना। देखा डिफरेंट रिएक्शन मिला ना सर? वो इसलिए क्योंकि इसे लगा कि तू नारा है। खाना खाने की क्या जरूरत थी? अरे हाउ मी, हाउ कुड यू डू दिस टू हर, गिव सम रिस्पेक्ट टू योर डॉटर। अब ये कौन है बीच में टांग अड़ाने के लिए भाड़े पे रखी है? और ये बोल क्या रही है? मैडम विदेशी छोड़ो, देशी अपना। वो चाइना में पली बड़ी है तो क्या इज्जत नहीं दोगे? बेटी है वो तुम्हारी। ए महिला कल्याण मंडल, ये मेरी बीवी है, देखा ना प्रूफ, तुझे भी दू क्या? मजा आ भी क्यों, चाइना से बदला ले लिया। तो मैं पूछ रहा था कि कैसा रूम चाहिए? हमारी कल ही शादी हुई है ना, इसलिए हमें खटिया वाला रूम देना। इनके लिए बिना खटिया वाला चलेगा, कोई बात नहीं। क्या बात है, इनके लिए चटाई बिछा दूंगा। आइसक्रीम ले लो। कैसा गधा पैदा किया है मैंने। बिल्ली काउंटर काट गई, थोड़ा पानी लेके आओ। पानी क्यों सर, आपको कलरफुल फ्राइड राइस खिलाते हैं ना। थोड़ा गरम लेके आना। दो मिनट। लव कर गया। बुक्कर को देख कैसे राल टप कर रहा। आओ, आओ। रहने दो, हमको नहीं चाहिए, ये जगह शुभ नहीं है, हमको नहीं रहना यहाँ, कुछ अनहोनी होगी। अरे काय तरीस काय, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। अभी मैं बोलूं तुम्हारे सर पे फैन गिरेगा तो क्या गिर जाएगा? आई लव मौसी जी टाइम सर। सर हो के निकल लिए। लेडी पापा निकल लिए। लेडी पापा। अरे
अबे क्या काली जबान है तेरी, ये सच में मर गया? आज मैंने कोयले से मंजन क्यों किया? इनकी फर्स्ट नाइट को तुमने लास्ट नाइट बना डाला। अरे मेरी शादी कर करा। अरे चुप ना, तेरा पापा सो रहे रे। पापा ऊपर जाता है, चाइना तेरी वजह से तेरा पापा के लिए चिल्ला रहा है। पहले कुल्फी बेचता था क्या? हार्ट अटैक आ जाएगा गेंडे। ए कोयले से मंजन कोई मत करना। ये भी निकल लिया क्या? ए गेंडे उठ। ओए इसको भी तूने मार दिया। काला धन मंजन नहीं करने का। विवो ओप्पो शाओमी हिमेश उन्हें रोको वरना वो पुलिस को लेकर आएंगे। ए रुको भगवत हिंदी चीनी भाई भाई अगर भाई बहन। मैडम मैडम घबराओ मत, देखो वो सब हादसा था, हमने थोड़ी कुछ किया, उनका चेकआउट का टाइम आ गया था, पर आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप चलिए हमारे साथ। हाँ मैडम चलिए ना, रात का समय होगा, अकेली लड़की, अगर ऊपर से कोई लड़का लकड़ा गिर गया तो। राजमहल का तो पता नहीं, कब्रिस्तान जरूर बन जाएगा। हिमेश ये सब कुछ रेशमिया की काली जबान की वजह से हुआ है, तूने तूने मारा इन सबको। ये पावली कम सब इत्तेफाकन हैपनिंग हुआ, अभी बोलूंगा बारिश होगी तो हो जाएगी क्या? देवा बरस बरस, ये सब कोयला दंत मंजन का कमाल है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। छी सुबह सुबह मुंह कड़वा हो गया। रेशमिया क्या कर रहा है? दाढ़ी खुरच रहा हूँ। तो आईने के सामने खुरच, यहाँ पर खड़े होके क्यों कर रहा है? चश्मे के आईने में दिखता है। अरे चेहरा कट जाएगा। अरे कोई बात नहीं, कटेगा तो सेलो टेप लगा लूंगा तुझे। ले मैं आईना पकड़ लेता हूँ। मेरी दाढ़ी में मत घुस। अरे इतनी भी गंदी शक्ल नहीं है। अरे एक बार बोला सुनाई नहीं देता, कान में कीड़े का तेल डालेंगे। क्या हुआ ऐसे? स्कूल बस। इन्हें देखकर खुश हूँ या दुखी समझ में नहीं आ रहा। अरे 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 इतना चिल्लर पार्ट। ये सोफे से उतर। आइए ना, आइए आइए। कितने दिन कितने रूम? एक नाइट रुकेगा, सुबह चेकआउट करेंगे। इतना खड्डा मैं नहीं खोद सकता। चुप, क्यों बकवास कर रहा है? अरे बॉस तू समझता क्यों नहीं, इधर जो आता है वो जाता ही नहीं, ऊपर से इतने सारे बच्चे, कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा, इस बार मैं खुद निगरानी करूंगा, समझ गया ना? चला जा। वांदो नहीं मैडम, इतने सारे बच्चे हैं ना तो कैसे मैनेज करेंगे वही डिस्कस कर रहे थे। क्या हुआ मैडम, उल्टी आ रही क्या? अरे मैडम काय साला, गुड न्यूज क्या? ओह मैन, कब से डकार अटका था, इन्होंने ऐसा सहारा दिया कि चेस्ट में से डकार निकल गया। एक रूम को मैं और 25 बच्चे शेयर करेंगे। थैंक यू। घंटी नहीं बजाना, घंटी नहीं बजाना, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, प्यून बनेगा क्या? मरु 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 मरु, चल जा रूम में जा, हैं? चल फूट ले। क्या रे उस बच्चे पे हाथ क्यों उठा? अरे बॉस वो घंटी बजा रहा था। तो बजाने देता, कौन सी तेरे बाप की घंटी है? हिमेश भाई इधर काम करता हूँ, बाप पे नहीं जाने का।
बात है। बॉलीवुड के लिए क्यों नहीं लिखते? आप लिरिक्स टीचर हैं क्या? टीचर हूँ पर पीटी का। आप तो रूम शेयर नहीं करेंगे ना? करवा दो यार। नहीं मत कीजिए सर, बच्चे हैं आपको तंग करते रहेंगे। आपको बच्चों के शोर से दूर वाला कमरा देता हूँ। ठीक है, दे 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 दे। और इसमें अपना हाइट और वजन छोड़ के सारी जानकारी लिख दीजिए प्लीज। ओके, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। घंटी वाजली वाट लागली। ए, सिर्फ फ्राइड राइस क्यों बना दिया? कुछ और नहीं आता है क्या? तेरी कद्दू जैसी शक्ल देख के सब भूल गई हूँ। अगर मौका मिला ना तो फ्राइड राइस में नमक की जगह जहर डालकर तुझे खिला दूंगी। हिमेश, इसे बोलो नाश्ते में बिल्ली का झूठा दूध पिया करे। हिमेश, अगर मगरमच्छ का अंडा मिले तो मुझे लाकर देना, इस भूतनी को खिलाना। ए, भूतनी किसको बोल रही है डायर? तुझे कहा और किसे कहूंगी? बस करो, माताओं बाद में झाड़ू से फैसला कर लेना, अभी खाने का वक्त है, प्लीज जाकर खाना दे दो प्लीज। अगर इसकी बकबक बंद नहीं हुई ना तो इसे काट के बिरयानी में मिला दूंगी। मैं तुझे कूट कर तेरा कीमा बना, झाड़ू से तेरी चटनी बना। देवियों, मेन्यू बाद में डिस्कस कर लेना, पहले जाकर ग्राहक को ऑर्डर दे करो प्लीज। जान, अगर मुझे एक खून माफ होता ना तो इसी को करती। दिन में इनके झगड़े निपटाओ, रात को लाशें निपटाओ, बस यही काम रह गया मेरा यहाँ पे। अबे अंदर क्या कर रहा था? उसको पिला रहा था क्या? उसको इंग्लिश हजम नहीं होती, गटर छप मंगा के दिए। उसकी सांसें चल रही है ना? अब तो सब कुछ चले गए। बाकियों को चेक करते हैं। ये शोर कैसा? आम ताम कौन है? आए, अचानक से शोर गायब हो गया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सब बच्चे लोग आराम से सो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढोकला मैन आ गया। क्या रेशम, यह बच्चा संभालने नहीं जाते तुझसे? अरे मैं क्या तेरा बाप भी नहीं संभाल सकते? नॉटी बच्चा लोग है। मैं तुमको यही सिखा बड़ों को मारने का, मैं तुमको पनिश करेगा। अबे जवा दो मैडम, बच्चे शरारत करेंगे। अरे बच्चे नहीं है, बंदर है, मदारी समझ के मेरा डमरू बजा दिया, बजाए ना। बिल्कुल करेक्ट बोला। क्या रॉकी, तुमको जेम्स मांगता डोंकी जैसा मुंडी क्या हिलाता है? इस जार के अंदर कितना जेम्स है कौन बताएगा? जो भी करेक्ट बताएगा मैं उसको पूरा जार देगा। किसी में है डेरिंग? नहीं। किससे को नहीं मालूम? 247 गिन के देख लो। सु, बच्चों की जेम्स खाने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा है गांडा। मैं झूठ नहीं बोलता, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, चाहिए तो गिन लो। ओके, मैं गिनता है 5, 6, 7, 8, 15, 18, 50, 100, 125, 200, 243, 245, 247। माय गॉड, तुमने पूरा जार जीत लिया, तुमने ये कैसे किया मैन? तुम्हें सब कुछ पहले से कैसे पता होता है? सब बताना जरूरी है, तुम्हारे बारे में पूछा क्या? नहीं ना, सवाल पूछना जान के लिए हानिकारक हो सकता है, जीना है कि नहीं। रेशमिया, सब ठीक है ना? हाँ, सब नॉर्मल है ना? अरे कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, जवाब तो दे, क्या हुआ तुझे? अब मैं लूंगी, अरे अंदर की बात बाहर आ गई। अरे तू चड्डी पहन के क्यों नहीं घूमता यार? अरे उठा ले प्लीज, प्लीज रुक जा। अरे अपना गुड लक पहन के चला कर यार, वरना मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा। ए, उठा ले, कोई बच्चा देख लेगा, घंटी बजाने लगेगा। रुक, बॉस मेरे कपड़े उतारे, शर्म नहीं आती? तेरी लुंगी सिनेमा का पर्दा है जो गिरा के मुझे लेट नाइट शो दिखा रहा है।
शमी चल जल्दी देखते सब ठीक है या नहीं। चल चल भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हिमेश भाई, अब तो पक्का जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। कुछ भी बोलता कल मेरी बैंड बजाई, आज भी बैंड बजा रहे हैं। तुम सबने अपना बैग लिया ना? हा? आप लोग तैयार हो गए? हाँ। सब बच्चे ठीक है ना? हाँ, वन नाइट हो गया। ओके, अभी जाने को मांगता। हाँ, थैंक यू। आजा आजा, अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी अपना सामान नीचे मत रखो, ऊपर रखो। दो एक कम दो, दो 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 तीन चार, दो तीन छह। सर, ऐसा लग रहा है मैंने कहीं आपको देखा है। ए ड्राइवर, जा हैंडल विद केयर कर। चल, अजीब है। हिमेश भाई, पहली बार कस्टमर जिंदा रिटर्न जा रहे हैं। ए, अब क्या हुआ? टीचर को बोलो ना, दो दिन और रुक जाए। चुप, चल नीचे उतर, वाक बकरी नहीं चाहे। फिर आना मैडम। मैडम, वो पीटी सर कहाँ है? वो तो स्कूल में होंगे। ओ, मतलब सुबह ही निकल गए। वो हमारे साथ आया ही नहीं। तो कल जो आपके साथ आए थे वो कौन थे? वो किसी और स्कूल का पीटी मास्टर होंगे। अच्छा, चलते हैं, बाय। अरे बाबा, शोधा शोधा कुठे गेला सर? पीटी सर। सर, तमे क्या छो? अंदर टीपी कर रहे हो क्या? नॉट टू वरी बॉस, योगा कर रहे हैं अंदर। योगा कर रहा है कमोड के ऊपर? ये तो योगा की हग हो गई। खुद ही देख लो ना। रेशमिया, ये योगा नहीं कर रहा, ये फिसल के कमोड में डाइव मार दिया। ओ दीवारे दीवा। अम्मा माता जी, कौन कौन से स्टाइल में आके मर रहे हैं यहाँ पे? पीटी सर, सावधान, विश्रम। हिमेश, जब से हम यहाँ आए हैं सब कुछ अजीब ही हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था, सब राजमहल में आकर क्यों मर रहे हैं? कोई ना कोई राज जरूर है। रेशमिया भी मेरे शक के दायरे में है। शक नहीं, इसके पीछे उसी का हाथ है। पहले पुलिस वाला, फिर आज सुबह ये ड्राइवर, और हमें भी लगा था उसे पहले कहीं देखा है। लगता है उसको किसी क्राइम शो में देखा है। एक बात कहूँ, शायद तुम यकीन ना करो, मुझे रेशमिया किसी एंगल से क्रिमिनल नहीं लगता। पची? वही भूत है। देखो सनी, ऐसी बातें करोगी तो लियोनी से शादी कर लूंगा। हिमेश, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है ना, उसकी कही हुई एक एक बात हकीकत में बदलती जा रही है। बिना गिने ही उसने बता दिया कि जार में कितनी जेम्स हैं। और सबसे अजीब बात, याद है तुमने जब उसे आईना दिखाया था, उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया। वो बात तो मुझे भी अजीब लगी थी, पर इस सब का मतलब ये थोड़ी कि वो भूत है। प्लीज हिमेश, सिर्फ मेरी खातिर एक बार उसे किसी तरह टेस्ट करके देखो। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक आत्मा है। आत्मा छे? चाहे मेरी जान तू ले ले, चाहे ईमान तू ले ले। केम छो रेशमिया, शेव कर रहा है? दिखता नहीं है फेयरनेस। फिल्म लगा रहा हूँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं हिमेश भाई? अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो। ए, क्या दिख रहा है? भूत दिखा क्या? मेरे को पकड़ते तो बहुत। अरे बोलो ना, भूत दिखा या नहीं? अरे सोना वाला, अरे क्या कर रहे तुम? अरे छोड़ो छोड़ो। अरे सनी बहन, अरे हिमेश भाई ने समझाने। अरे नहीं दिखाना भूत, तो अब क्यों उसे जकड़ कर रखा है? सोडा वाला, ओ अब छोड़ो भी इसे। इतनी गौर से क्या देख रहे हो? भूत वो तो कुछ दिखा नहीं। अरे वो तो मैंने भी देखा, पर तुमने उसे देखा? फेयरनेस क्रीम लगा के वो मुझसे भी ज्यादा गोरा होना चाहता है। ओफो, जाकर उसे पूछो कि वो आईने से दूर क्यों भागता है। फेयरनेस क्रीम कपड़े पे लग गई, पता है अनाज से महंगी फेयरनेस क्रीम है। माफ कर दे, पर अपना बदसूरत चेहरा आईने में देखने में तुझे प्रॉब्लम क्या है? वो भैसीला शैतान आ जाएगा। भैसीला शैतान,
ये कैसा नाम है? जब भी आईना देखता हूँ वो याद आ जाता है। इंश्योरेंस के पैसे के लिए उस भैंसीले शैतान ने अपने भाई के साथ एक प्लान बनाया। अरे भैया मैं मर चुका हूँ, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ तुम ही बना सकते हो। मेरे मरने पर करोड़ों रुपए मिलेंगे, तुम्हारा भी हिस्सा होगा, क्या कहते हो? के करोगे भाइयों, मरने का ड्रामा? हाँ भाई मस्त प्लान बनाया, चलो बताता हूँ। अरे बता तो भाया, करेगा के टमाटो सॉस लगा के मरने की एक्टिंग करूंगा। ए बावले मर ले या खुजा ले। अरे भैया खुजाओ नहीं तो क्या करूं, 6 महीने से बीवी ने कपड़े नहीं धोए हैं। भाभी को बुरा बोले, मैं नहीं देना तेरा साथ। अरे अरको, अरे नाराज मत हो, नहीं बोलूंगा बुरा। तुम ही दो ना कोई आइडिया। मारो पास एक इंजेक्शन है, हा? उसे लगाने पे साबित हो जाएगा तू मर गया। हिम्मत है तो तैयार हो जा भाइयों। पर बड़े भैया मैं सचमुच तो नहीं मरूंगा ना? तू बिल्कुल मरोगे नहीं, लेकिन मुर्दे के जैसे तू ना चल पाओगे ना हिल पाओगे, रत्ती भर भी किसी को पता ना चलेगो। डॉक्टर हो तो तुम्हारे जैसा, निकालो इंजेक्शन और घुसेड़ दो। पुलिस को शक ना हो उसके लिए एक जख्म चाहिए भाइयों, और नकली नहीं असली खून बहना चाहिए। बड़े भैया का दिमाग भी बड़ा है। बेलन ला रहे भैया, मारिए। मैं नहीं मारूंगा, ये शुभ काम तू कर ना। मार मार मुझे। अरे क्या रे, दम नहीं है तुझमें? भैया जब मैं अपने ससुराल गया था इसकी छोटी बहन मिली थी, क्या ताकत है उसमें, आजमाई थी मैंने। मैं तो सोचा कि उसके आधी शादी कर लूं। क्या कहा, मेरी बहन को सौतन बना दिया? घर की चेली जो लुकिया यार बेईमान। हां मार दिया रे। ये तो गयो, ये तूने क्या किया बावड़ी? मारो भाइयो, सच में तो नहीं मर गयो? भैया ये मुझे सच में मार दे, उससे पहले वो नकली वाला इंजेक्शन दे दो। कुछ ना हुआ तेरे को, मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ। मारो जवान भाई, भरी जवानी में मर गए हो। देखो मैंने तहकीकात की है, केस एकदम साफ है, ये एक्सीडेंटल मौत है। आप चाहें तो चंदन की लकड़ियों पे इसका दाह संस्कार कर सकते हैं। ओ शाबाश, एक्सक्यूज मी, देखने में तो एक्सीडेंट लगता है, अगर सच्चाई पता करना है तो काटपीट करके ही पता करना पड़ेगा सर। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? बॉडी को आरी से काटते हैं, मौत की असली वजह पता चल जाएगी। मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, जीते जी किसी का पोस्टमार्टम नहीं करते। कुछ तो करो भैया। इसकी कटाई शटाई मतलब पोस्टमार्टम मारे को ही करने दो जी। आप ही करोगे, वैसे भी इस शहर में आपसे अच्छी कटाई कौन कर सकता है? वाह भाई वाह, आज पहली बार कोई मुर्दे का पोस्टमार्टम करके उसे जिंदा करेगा। अरे भैया कहाँ ले आए मुझे, इतना अंधेरा क्यों है? अरे भैया जल्दी से दवाई दीजिए और मुझे जिंदा कर दीजिए। दर्द होता है, क्या कर रहे हो? मारे को पता है तू बड़बड़ कर रहे हो, पर थारे को कोई सुन नहीं पा रहा। पर मारे को पता है तू मारी बात सुन पाओगे। ये पोस्टमार्टम बस थोड़ी देर में सक्सेस हो जाओगे, उसके बाद सब ठीक हो जाओगे। सच में पोस्टमार्टम करोगे? पता है गो, ये मरने की एक्टिंग करके तूने समझदारी का काम किया। सॉरी सॉरी, एक्टिंग नहीं, तुझे सच में मरना पड़ेगा, क्योंकि तेरे सच में मरने के बाद ही मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलोगे। मैं तुमको तुम्हारा कट दे रहा था ना, तो मुझे क्यों कट कर रहे हो? बस देखता जा छोटे, बहुत जल्दी तू दादाजी से मिलोगे। ऐसा मत कर भाई, मुझे नहीं मरना। चिंता मत कर, ज्यादा देर जिंदा नहीं रखोगे। अरे तुझसे तो खूबसूरत तबेले में बंदी भैंस होती है। तू भाभी की चिंता मत करना, उसका ध्यान मैं रखूंगा। पहली बार जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम करूंगा, सबसे बड़ा दर्द दूंगा थारे को, ना हिल पाओगे ना डुल पाओगे। पर फिकर मत कर, तेरे घर की पूरी सेवा करूंगा। भाइयों लोग तुझे यूं ही भैंसीला शैतान नहीं बोलते, थारी शक्ल अगर भूत भी देख ले तो वो भी घबरा जाए। अभी दिखाता हूँ। भाई ये चीटिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत आदमी इस दुनिया से चला जाएगा, मेरी पत्नी का क्या होगा? भाइयों तू तो शैतानों का गॉडफादर है, और भाभी जान परी, पर उनके बारे में मत सोच। मैं हूं ना, मेरी तो शक्ल ही सिर्फ काली है, तेरा तो दिल भी कोयले की तरह काला है। नहीं भाई मत काट, तू कटेगो तब तो पैसे बटेगो। वैसीले शैतान को उसके भाई ने काट डाला, और उसकी बीवी और प्रॉपर्टी दोनों उसके हो गए। ये सोच रहे हो? बोलो भाभी डार्लिंग। वहाँ देखो है? मरे हुए पति की तस्वीर से डर गई क्या? तुमने कहा था कि तुमने उसे आईने के सामने काटा था, तब से मुझे लगता है कि मेरे पति की आत्मा इस आईने में कैद हो गई है। इस आईने में आत्मा कैद है? अब देख मैं अपने भाइयों से कैसे बात करता हूँ। आजा भाइयों, भैसीला शैतान आजा आजा। आईने से निकल के उन दोनों को मार डाला,
उस दिन से मैं आईना नहीं देखता। सुनिए इसकी सिगरेट बकवास, कोई आईने से निकल के मार सकता है क्या? चल रोना धोना बंद कर। अबे सुन भाई, ये जो डर है ना वो सबको लगता है, पर कब और कितना लगना चाहिए ये हमारे हाथ में। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप कर, आईने के सामने जाओ और भैंसीले शैतान को बुला। अरे अरे, डर मत, वो नहीं आएगा, पर तेरा डर जरूर चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, मैं तुझे एक डेमो देता हूँ, उसके बाद तेरी टर्न, समझा? अरे केम डरे छे, आ जाओ। भैंसीले शैतान एक बार आ जा। अपना ये आजा आजा का भोपू बंद करो, बाकी की जो डाउट्स है वो पूछो इससे। इसे कैसे पता चला कि जार में 247 जेम्स है? ओ सनी मैडम, होटल का मैनेजर भी मैं और झाड़ू वाला भी मैं। उस दिन जब मैं कचरा उठाने गया तो मुझे जेम्स का पैकेट दिखा, उस पैकेट पे लिखा था 250 पीसेस ओनली, उसमें से तीन टीचर ने खाए तो बचेंगे 247 पीसेस, राइट? इंप्रेशन के लिए हिमेश भाई। ठीक है, पर उस दिन सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे तूने कहा था, यहाँ तक की बारिश भी, वो कैसे? उस दिन मेरा लक मेरे ऊपर मेहरबान था, जो बोलता था वो होता था, तो मैंने सोचा कि सनी भाभी पे भी अपने लक का एक तीर मारूं। क्या भाभी आज अच्छे लग रहे, एक चुमी तो दो। ये जबड़ी है लाजू नको ये। गांडा, जिस थाली में खाता उसी में छेद करने चला था तू? अरे हिमेश भाई, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? यहाँ तक कि हिमेश और मुझे भी लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है, ऐसा क्यों? जरूर तुम्हारी कुंडली में कोई बहुत बड़ा झोलझाल है, सच बोलो। मैनेजर बनने से पहले बहुत कंगाली छाई हुई थी, तभी एक प्रोड्यूसर ने मुझे हीरो का रोल दिया, भूख से हथेड़ियां लंबी हो गई थी। आंसू तो देखने दे, तो पोछ क्या रहा है? मजबूर सिर्फ औरत नहीं होती है, कभी कभी आदमी भी मजबूर हो जाता है पापी पेट के लिए, इसलिए काम कर लिया था। गांव में सूखे हुए नल थे तो हैंडपंप लग गया, लेकिन उससे पानी निकालते निकालते हमारे बदन की हर एक नस चढ़ गई, यहाँ तक कि गर्दन की भी। कोई मर्दा के मटके भर दे। मैं आया तेरे लिए, होठों पर लेकर तराने। अरे अभी याद आया, वो अकेले में बहुत बार देखी है। अब समझ में आया इसकी लुंगी बार बार उतरती क्यों रहती है। एक्चुअली वो ना मेरी फेवरेट फिल्म है, एक हिट गाना भी था उसमें, क्या गाना था? हाँ, उड़े जब जब छप्पड़ में। नहीं रे, उड़े जब जब सलवार तेरा। हाँ, वो क्या है ना, इसका टेलीकास्ट रात को 1:30 बजे ही शुरू होता है, और सनी मैडम ने रात को चैनल चेंज करते हुए देख लिया होगा। चोरी पकड़ी गई। मुझे लगा कि गांव की पानी की समस्या के ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट्री होगी, वैसे भी पूरी नहीं देखी, आज तो पोल खुल जाती। यार हेट फिल्में दी है तूने, मैं तो तुझे कामचोर समझता था, तू तो डबल मेहनत करने वाला निकला। सॉरी यार, शक किया। मेरे विस्फोटक परफॉर्मेंस के बारे में कोई टिप्पणी? जल गया क्या? सीला शैतान एक बार आ जा। अबे तू क्यों आ गया? हिमेश भाई, कल मेल तुम्हारे नाम रजिस्टर हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं डॉक्यूमेंट्स? अपने पास ही रख, सुबह मने आप। हिमेश भाई, हवे सूचे सोच रहा हूँ कि फिल्मों में दिखाना शुरू कर दूं। अरे मेरी एक्टिंग। शाबाश, ये हुई ना बात। बाहों का हार गले में डालकर शाबाशी देने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने, अब क्या पप्पी शप्पी का भी प्लान है? ये सनी और लियोने यहाँ पर अपना काम बिल्कुल नहीं होने देंगे, चल चलकर बाथरूम में आराम से करते हैं। कबाब में पाव। बाथरूम में हो सकता है, ऐसा कौन सा काम है? घबराहट हो रही है तो मैं ट्राई करूं? नहीं हिमेश भाई, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। सो वाच है, अहमदाबादी का दिल जीत लिया, हिम्मत से काम ले, पीछे मत हटना, उभार छू। बराबर, अब सब दिल थाम के बैठो। आजा आजा वैसीला से। आजा आजा।
आजा भैसीले से। एक बार आजा आजा तुमको यकीन नहीं है, देखो वो आके फोड़ के गया। अगर तुम्हारा ऑर्डर सुनता रहा ना तो एक दिन में डिसऑर्डर हो जाऊंगा। हिमेश भाई सब रेडी है खाली साइन करने के। इस पे साइन कर दो, राजमहल आपका हो जाएगा। हिमेश ठक्कर, ये लो। अरे ये सर पे हाथ रख के क्या सोच रहे हो? सनी, हमें शक था कि ये सब रेशमिया कर रहा है, पर उस दिन तो वो खुद किसी के हाथों पिट गया। ये तीसरा कौन आ गया? मुझे लगता है कि रेशमिया भूत को बुलाने का कोई मंत्र जानता है। अरे मेकअप दिमाग में घुस गया क्या? कभी बोलती हो रेशमिया भूत है, कभी बोलती हो भूत को बुलाता है, एक्चुअली मुंह धोने के बाद खुद ही भूत लगती हो। भूत लगती हूँ ना मैं तुम्हें? आज के बाद सोफे पर ही सोना। अबे अरे मेरी झमकुड़ी, जोकिंग जोकिंग। रूम मिलेगा क्या? आफ्रिका होटल है सर, एक बार अंदर तो आइए, बाहर की कोई गारंटी नहीं। वाओ व्हाट अ बॉडी। क्या हो रहेंगे? क्या वो जो भी खिलाएगी प्यार से खा लूंगा। जहर भिजवाऊं क्या? उसका टेस्ट देखा, उस भाड़े के टट्टू से टैटू बनवाने गई है। अरे जवा देना, जब पेट में आग लगती है तो आदमी कोयला भी खा लेता है। सीरियसली बहुत टेस्टी है। पिकल राइस है क्या? वेज फ्राइड राइस। दिल कर रहा है बनाने वाले का हाथ चूमने। हाँ, चूमने के लिए सिर्फ हाथ ही मिला है क्या? आखो इंडिया को छोड़ के सिर्फ होटल में भूकंप के झटके लगे, ऐसा क्यों? माइती नहीं हिमेश भाई, असली झटका तो दिल को लगा है। लियोनी टट्टू के कमरे में गई है। कस्टमर सर्विस ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हिमेश भाई जरा तमीज से बात करो। तेरी बहन ही ठरकी है। तुमने हाथ चूमने तो दे दिया, अब अपना प्यारा सा मुखड़ा भी दिखा दो ना। शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ। मत करो ना, मुझे शर्म आ रही है। एक बार दिखा दो ना। नहीं, शर्म अपने आप दूर हो जाएगी। तीन दिन से जिम जाने का मौका नहीं मिला, सोच रहा हूँ आज रात इसी कमरे में कसरत कर लूं। हे लियोनी, दरवाजा खोल। ऐसा क्या खिलाड़ी जो अब तक बाहर नहीं आई? इसके जिंदा रहते सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भाई है या कसाई? अरे भाई का फर्श नहीं माने आया हो, दरवाजा खोल। लियोनी निकालो, निकालो लियोनी, फंस गया। ओह माय गॉड, पकड़ के खींचो, पकड़ के खींचो, पीछे से, पीछे से। नहीं निकल रहा। पर और कोशिश करो, थोड़ी ताकत लगाओ। अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। बस निकलने वाला है, कुछ तो जबरदस्त गड़बड़ है। भाई क्या आगे भाग सा है, इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में। अरे इसको लोहे की माला किसने पहनाई बाबा? खुद पहनी और तुम्हारी वजह से ये मरा। ये दिमाग फिर गया है क्या? ग्रिल में किल, तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर इसे भी जान से मार डाला। ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट है, सीआईडी की कसम। मेहमान भगवान समान होता है, यहाँ पे तो सारे मेहमान भगवान के पास ही जा रहे हैं। शुक्र करो पुलिस नहीं आई। कोयला दंत बंजन मुंह बंद रख। हिमेश भाई, हिमेश भाई, ये ओवर टाइम है, इसमें से जीएसटी मत काटना प्लीज। चलो उठा सारू। हिमेश भाई चांगला। अरे बाबा, फ्राइड राइस खा के इसका वजन बढ़ गया रे बाबा। महल जैसे होटल के रूम खाली पड़े हुए हैं और कब्र भरती जा रही है। हिमेश भाई, बाथरूम में जिसने मेरा सिर फोड़ा वो यश था। तो चेक कर ले। क्या रखा है, किधर रखा है? अरे क्या रे बाबा, ये नरम नरम क्या है?
हमारे होटल का फ्राइड राइस मेरी बहन के हाथ से बना। कहा था ना इतना टेस्टी बनाती है कि लोग उसे खाने के लिए मरते हैं। माइंड ब्लोइंग। ठीक है, बाहर आ चल। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? यमराज इज कॉलिंग हिम। ये तेरा दूसरा मर्डर था खबर छे? हिमेश भाई तुमने देखा ना इसने मुझे कैसे डराया, देखा ना? इसलिए मैंने डर के आगे जीत हासिल कर ली। अब दूसरा गड्ढा मैं नहीं खोदूंगा, ये बुड्ढे को स्टोर रूम में रख देते हैं। चल ओके, कम ऑन बॉस, लेट्स स्टार्ट द मिशन। इस टैटू की दुकान को यही दफनाते। ओके बॉस, ओके। अहमदाबाद कोल्हापुर की जय। रात के 2:30 बजे भी इसका मेकअप चल रहा है। हे रेशमिया, मर्डर करने के बाद कोई गाने सुनता क्या? ठीक है नहीं लगाता, मैं गा के सुनाऊं क्या तुमको? तू अपने गुनाहों को संगीत से धोना चाहता है ना? नहीं बॉस, एक दो मौत इत्तेफाक हो सकता है लेकिन हर कस्टमर मर रहा है, मतलब कुछ तो राज है। हाँ हिमेश, मुझे लगता है ये सही बोल रहा है। एक बात पे नोटिस किया क्या, हम लोग अभी तक सलामत है, पर जो कोई भी कस्टमर आता है सबसे पहले एक रूम बुक करता है, फिर खाने के लिए फ्राइड राइस का ऑर्डर करता है और पार्सल हो जाता है। ऑर्डर नहीं देता, इसको कुछ और बनाने नहीं आता इसलिए वही सबको ठूसती है। और उस घंटी का क्या, जिसने भी बजाई है उसकी घंटी बज गई है। सही पकड़ी है, ये सब एक पैटर्न बन गया है। मैं एक आइडिया देता हूँ, कल हम में से कोई एक कस्टमर बनेगा। आइडिया तो सारूच है रेशमिया, तू ही कस्टमर बन गया। मेरा आइडिया मुझसे ही मियाओ, लकी ड्रॉ करेंगे ना। फ्राइड राइस का पार्सल है। नो प्रॉब्लम। आओ जो मैडम, रूम चाहिए? उसी के लिए तो आई हूँ, एक डबल बेड वाला रूम दीजिए। ओके, ये लीजिए। क्या लेंगी खाने में? चिकन फ्राइड राइस, इस वेटर के हाथों भिजवा दीजिए। आयुष्मान भव। लेटूस, खा के प्लेट धो देना, हवा से ये पर्दा हिलने लगे ना तो ड्रामा करते हुए बाहर मत आ जाना। फ्राइड राइस दे दिया ना, अब चल फूट यहाँ से। आज भूत अगर इसका पैकअप कर दे तो अच्छा ही हो। चलो अब सब लोग फैल जाते हैं। रेशमिया तू अपनी जगह पे। ओके हिमेश भाई, कोने के कमरे में चली जाओ, हूँ यहीं छू। ठीक है, तुम अंदर मत जाना और झांक के देखना भी मत। आहा, पैर पे पैर क्यों रख दिया? सब देख लिया ना, आखिर मुझे बताओ कि मुझमें कमी क्या है? ये गांडी, अंदर देखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है? जा प्लान फेल मत कर। अकेले सोने में डर लग रहा है मुझे। अरे वो रेशम का धागा भी तो साथ में है, कुछ हो तो आवाज दे देना। अब जाओ जाओ सनी, लियोनी की जान खतरे में। सोने जा रही हूँ। ये भूतिया स्टाइल में बोलना जरूरी था क्या? भूख के आगे डर है मैडम, मैं भूख गया था मतलब डर गया था। मर क्यों नहीं गया? तुम गा रही थी? नहीं बजा रही थी, डर के मारे सीटी। पर सीटी बजाने के साथ गाना भी गा रही थी क्या? मैं दोनों काम एक साथ कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, रुको रुको। ये यही गाना सुनाई दे रहा है? किसकी आवाज हो सकती है, कोई आत्मा तो नहीं? हाँ।
आवाज वहां से आ रही है। इतनी रात को कौन होगा? लगता है कोई हमारे साथ अंताक्षरी खेलना चाहता है। आवाज ऊपर से आ रही है ना? अगर हम अंताक्षरी खेलेंगे तो भूतनी हमें छोड़ देगी ना? अगला गाना सोच। ठीक है हिमेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है हिमेश। अबे रेशमिया, यहाँ पर क्या कर रहा है? मैडम ने मेरे को बंद कर दिया था। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? फिर तो मुझे जरूर भूत ने ही लॉक किया होगा। रेशम के धागे, ये दरवाजा अपने आप लॉक होता है, देख। अच्छा अच्छा, अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? उन्हें भी। मैडम थोड़ा सुर में गाओ ना। ए, मैं नहीं गा रही हूँ। हिमेश, आवाज इसको भी सुनाई दे रही है। हा? हा? आवाज ऊपर से आ रही है, चल जल्दी। आराम से। लियोनी, दरवाजा खोल। लियोनी, जवाब नहीं दे रही, लगता है भूत बन गई। जल्दी से कमरे की चाबी दे, जल्दी। तुम्हारे पास ही थी। अरे रे, होटल चलाने निकले हो और एक ताला नहीं खुल रहा है तुमसे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेठ बन जाऊं और तुमको नौकर बना लूं। अगर मैं एक दिन के लिए भी कोल्हापुर गया ना, तुमसे होटल नहीं चलने वाला। अरे रे 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 रे, कहाँ चली गई मेरी लियोनी बहन? तुमने उसे मार डाला, उसके गले में 25 तोला सोना था। बेचारी कितनी अच्छी थी, वो 25 तोले का पैसा तुमको देना पड़ेगा। मुझे हार्ट अटैक। रो मत, ए तू चुप रह। उसे भूत ने किडनैप नहीं किया है, मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है। आइला भाग गई, लेटर छोड़ के गई है। मेरी सूतली बॉम्ब जैसी जवानी को इस महल में चिंगारी देने वाला कोई नहीं। मेरा भाई तो मेरा कन्यादान नहीं कर पाया, इसलिए ये कन्या खुद को दान करने जा रही है। मुझे ढूंढने की कोशिश। गांडी, ऐसे कोई डराता है क्या? सबसे ज्यादा तुम्हारी हवा निकली। अरे पगली, कुछ और भी निकल जाता। धतू रखाई थी क्या तू? ये धागे, इससे पूछे गाना क्यों गा रही थी? मैं और गाना? मुझे गाना कहाँ आता है? तू लियोनी है, लता नहीं, गाना मत गाया कर। अरे सच कह रही हूँ, मैं नहीं गा रही थी। झूठ मत बोल। मुझे गाना नहीं, खाना बनाना आता है। कहाँ गया? ओहो, ए हिमेश, मैं अपना फोन ऊपर भूल आई हूँ, तुम जाकर लेकर आओगे प्लीज? हूँ, थाके गयो छू, खुद जाके ले आना प्लीज। किसी काम का नहीं है। लाइट को भी अभी जाना था। सीला शैतान एक बार आ जा, जा, जा। आ गया क्या? कौन है? कौन है? सामने आओ। सनी, सुथियो, ये यहाँ पे कैसे आया? पता नहीं, मैं आई तो देखा कि ये दोनों लिपट के सो रहे हैं। ये चुप, मैं इसके साथ सोऊं, मेरे इतने बुरे दिन ही आए। मेरी बात का यकीन करो, इस राजमहल में एक नहीं कई सारे भूत हैं। आई गई 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 बॉस, आई गई। क्या हुआ बे? बुड्ढे का मर्डर, मैडम के अकाउंट में क्रेडिट। मेरा अकाउंट क्लोज करूं? चुप। सनी, अपने आप को संभालो, कोई है जो भूत का ड्रामा कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है, तब तक सबर रखना होगा। चलो, बहुत रात हो गई है। No, no. मत, छू ना बुड्ढे को, फिर से स्टोर रूम में डाल। आई मिस मैं। हाँ चलो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं।
तने ऊंग नहीं आती, मेंढक की तरह क्यों फुदक रही है? भूतनी आई थी। क्या कर रही थी? मुझे डरा रही थी। अच्छा आंसू पोछ नाक झाड़, सुबह बात करेंगे भूतनी से, उसको बोला आओ। आओ जो भूतनी। ए, ये हमारी जमीन है, तू इसमें खड्डा क्यों खोद रहा है? किसने बुलाया तुझे? ओ मैडम, खूबसूरत लड़की चिल्लाते हुए अच्छी नहीं लगती। क्या साहब, बोला था ना गरीबों के पेट पे लात मत मारो, हर दिन एक गड्ढा खोद देते हो। आपने गड्ढा खोदा और मैंने उसमें पेड़ लगा दिया। इसने कुछ देखा तो नहीं? अगर देखता तो जरूर कुछ कहता ना। हमने गहरी कब्र नहीं खोदी थी, थोड़ी सी धूल हटने पर भी लाश दिख सकती है। इससे पूछ के कंफर्म करता हूँ। एक सेकंड ना खड्डा भाई, तुम्हें जमीन में कुछ जोई? अगर कुछ छुपाया होगा तो ही मिलेगा। ये ग्रिल मिली है, अगर आपके काम की ना हो तो मैं इसे ले जाकर बेच देता हूँ। वैसे भी इसका क्या मिलने वाला है? हाँ, खड्डा खोदने का 2500। मैंने कहा था खड्डा खोदने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे चोर पॉकेट में जो भी देना उसको। ये ले। अरे इसको कभी खर्च नहीं करूंगा साहब, बुलाना खड्डा खोदने के लिए। चलता हूं मैडम। अगर उसने ये सब जाके पुलिस को बता दिया तो? ए फावड़ा चोर, फावड़ा किधर लेके जा रहे रे? चल हाँ ठीक है ले जा, बैठना उसी पे। हिमेश भाई और एक विकेट गिरा क्या? बदतमीजी बंद कर और काम पे लग। मैंने क्या गलत बोला जो मुझे डांट रहे? मुंह बंद करने को नहीं कहा, जिप। उत्तरी चल जल्दी कर। अरे बाप रे, इतना खुदाई करना पड़ रहा है? इतना तो म्युनिसिपैलिटी वाले भी नहीं खोते होंगे। हिमेश भाई बॉडी तो खुल ले। वही तो सोच रहा हूँ, कल रात वो बुढ़ा स्टोर रूम से बाहर आ गया, आज यहाँ लाशें गायब है। कोई तो राज है, समझ में नहीं आ रहा। ए, बारा, राज पर से पर्दा बाहर आके उठा। सुधीर सर, यहाँ इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे हैं तुमने? नारियल का झाड़ लगाएंगे सर। चल पुलिस स्टेशन में बहुत झाड़ लगाने हैं। और हाँ, हमारे इंस्पेक्टर साहब को कांटे वाले झाड़ लगाने का बहुत शौक है। चल अरे सर, अहमदाबाद की कसम सर, चुपचाप सर। हूँ बेकसूर सर, सर बेसूर सर, चौकी में पता चलेगा। चल बैठ। चल उतर। हिमेश भाई केम छो? बैठो। अरे अंदर जाके मारो उसको। सर हाँ तो क्या हो गया? सर क्या रे, आपको इसकी टिप दी ना, अब मुझे मेरा टिप दे दो। क्या रे, जेब में कुछ पैसा है क्या? दे इधर। सर पूरा दे दो ना। कम दिया, तेरी मूछों में कीड़े लगेंगे देखना। मूछों में दवा डालता हूँ। सुना है बहुत खड्डे खोद रहे हैं राजमहल के आजू बाजू में, अब सच बताएगा कि थर्ड डिग्री दूं तेरे को काका? हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। पॉइंट पे आ रहे। सर एक्चुअली बात यह है कि राजमहल होटल में बहुत से कस्टमर्स आए तो थे, लेकिन वो वहां से सब एक हादसा था। तेरे को मैं पागल लगता हूँ क्या? जमीन से निकला हुआ खजाना कहाँ है? खजाना? सर हमने गड्ढे लाशों के लिए खोदे थे, खजाने के लिए नहीं। यानी उन गड्ढों में तूने लाशें छुपाई हैं? हाँ छुपाई है। मतलब छुपाई थी पर अब वहाँ पर मिल नहीं रही है। बॉडीज होती तो मिलती ना। अरे जो कहानी तू बता रहा है उसमें बच्चे और टीचर क्यों नहीं मरे? तो मैं तो अंतर्यामी छू, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। समझेगा भी नहीं तू, मुझे उल्लू मत बना हिमेश। मैं मुर्दे से भी सच उगलवा सकता हूँ। वो खजाना किधर रखा वो जल्दी से बोल, मेरा 70 तेरा 30, नहीं तो तेरे को गाड़ दूंगा। ये तो करप्शन की हद है, राजमहल का मैदान लाशों से भर गया और आपको खजाने की पड़ी हुई है। अच्छा काका हा? वो फाइल दो मुझे। ये रही वो 100 साल पुरानी फाइल, ये लो। हिमेश तूने बोला दो कस्टमर थे, हस्बैंड वाइफ, बिजली के शॉक से मरे, क्या नाम था उनका? रतन और पद्मा। क्या ये वही है? अहमदाबाद की कसम ये वही है। और वो चाइनीज लड़की जिसने इंडियन से शादी की, ये वही है क्या? हाँ।
हाँ सर, ये सब इसी तरह मरे थे। डेट देखा क्या? इनको मरे 20 साल हो चुके हैं और तू बोल रहा है कुछ दिन पहले ये लोग तेरे राजमहल में मरे हैं? इसका मतलब जो लोग राजमहल में मरे वो इंसान नहीं आत्माएं थी। हिमेश भाई, पेपर की कटिंग पढ़ के मुझे कटिंग दे रहा है क्या? सर, हूँ खुद कंफ्यूज छू। कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। चुपचाप बता दे वो खजाना किधर छुपाया है। 30% तेरा, क्योंकि वैलेंटाइन डे पे मेरी जुड़वा बीवियों को मुझे आड़ी देना है। सर आड़ी, तेरे को पता नहीं चलती का नाम आड़ी? ओ आड़ी, चार बंगड़ी। अभी समझा। उन आत्माओं को थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर तेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाऊं? मरे हुए लोग स्टेटमेंट कैसे देंगे? पुलिस की मार खा के मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। राजमहल में रहना है या जेल नाम के राजमहल में रहना है, गन्ने का रस पी के डिसाइड कर ले। अब राजमहल जा, मेरा 70% खजाना लेकर जल्दी आ जा। What the hell? रेशमिया आराम से, वरना अतड़िया बाहर निकल आएंगी। जाकर पुलिस स्टेशन देखो क्या हुआ। काय को जाऊं ताकि मुझे भी अरेस्ट कर ले? अब तो हर आवाज पुलिस के सायरन जैसी लगती है। वो तो रिमांड पर जाएगा। अब ये सोचो कि हम कैसे बचेंगे। क्यों, हमने क्या किया है? अच्छा, हम दोनों ने भी तो एक एक मर्डर किया है। पुलिस आने के पहले 6-6, 12 हो जाओ। हिमेश को अकेला छोड़कर? उनको तो जेल के अंदर नालबंदी करके बहुत पीट रहे होंगे। जल्दी चलो, नहीं तो हमको भी डंडे पड़ेंगे। ए, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? अभी तो मुझे इस राजमहल की रानी बनकर इस पर राज करना है। ओ वाह वाह सनी, तुम तो हो दिमाग की धनी। ओके, उसकी प्लानिंग कर ली, तुम बस पेपर्स लेकर आ जाना। राजमहल बेचकर मुझे दुबई जाना है? अरे वाह, तुम दुबई जाओगे और मैं भजिया बेचूंगा। हिस्से होएंगे तो 2 हिस्से होएंगे, काय समझ ली? अरे पर खरीदार मिलेगा कहाँ? मैंने एक सेठ से बात की है, जो भी पैसे मिलेंगे हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, क्या बोलती तू? क्या कहा, आधा आधा बांटोगे? इसको सिर्फ 2% मिलेगा, बाकी बचा 98.8% लेके तो कोल्हापुर निकल और 90% लेके मैं दुबई जाऊंगी। मतलब मेरा 2%? ए रेशमिया, अपने हिस्से से ऐसे कुछ देना है तो शौक से दे दो। एक नौकरानी को इससे ज्यादा नहीं दे सकती। अगर मुझसे शादी करेगी तो पैसा के अपने दिल का हिस्सा भी दे दूंगा। सनी लियोनी, ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं होनी। ए हिमेश, तुम तो वन पीस आ गए, पुलिस ने धुलाई नहीं की? जेल ही गए थे या इंटरव्यू देने के लिए? गांडा, तेरे से धोखेबाजी की उम्मीद थी सनी, पर तुम भी। ए हिमेश, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का? इस 2% के नौकर पर भरोसा है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए इतना गिर जाऊंगी? यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार? हाँ, जवाब दो। पर अभी तुम तो दुबई जाने की बात। आई लव यू जानू, मैं तुम्हें तुम्हारी बेल करवाने के लिए बेच रही थी। तुम्हारे बिना मेरा दिन 28 घंटे का हो जाता। अच्छा बाबा, मान गया। ए सुन, कस्टमर रजिस्टर का रिसेप्शन पे। अरे पर हुआ क्या? पुलिस स्टेशन से पता चला कि इस महल को जो खरीदता है वो मर जाता है, इसलिए उन सबके एड्रेस चेक कर। 60 सेकंड। नाम रतन, श्मशान नगर भूतियावाड़ी। मुरली किशन, श्मशान नगर भूतियावाड़ी। रॉकी टट्टू भूतियावाड़ी। हिमेश भाई, सबका एड्रेस सेम है, चल के देखते आओ। अबे डोडो, सारे एड्रेस इसी बंगले के। अरे हिमेश, ये सब क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर कह रहा था कि 20 साल पुरानी बात है, तो असली मालिक मिलेगा कैसे? ए, इसका मतलब ये हुआ कि इस राजमहल के सारे ओनर मर चुके हैं और इस राजमहल के नए ओनर तुम बने हो हिमेश। Hey, जो कहना साफ साफ कहो। कितनी बार तो कह चुकी हूँ तुमसे कि इस राजमहल में आत्माएं रहती हैं। कोई तो मेरा यकीन करो, मेरी बात मानो हिमेश। मैं नहीं मानता, ये सारा ड्रामा प्रॉपर्टी की लालच के लिए हो रहा है। बात असल में कुछ और ही है, कोई खेल खेल रहा है पर गलत खिलाड़ी के साथ। अहमदाबाद की कसम। ए रेशमिया, सूते ही हो रे? लगता है इसका फिर से धागा खुल गया, नींद में चल रहा है। Ah.
तुमने से देखा किसको हिमेश भाई? भयानक भूतनी भूतनी दो का फिर लगा है। मैंने बोला था ना, तुमने देखा, तुमने देखा ना, कितनी बार बोला लेकिन तुमने मेरी बात नहीं। बुढ़ाओ तीन बार मारने के बाद भी जिंदा है, ये अमृत से सीधा कनेक्शन है। हिमेश भाई तुम्हारे सिर पे कोई बैठा है? हिमेश भाई भूतों का कोई गैंग है जो हमको डरा रहा है? मुझे तो लगता है कि इस राजमहल के पुराने ओनर्स होंगे। पर अगर है भी तो मैं क्या कर सकता हूँ? टेंशन न को, बाबा सब संभाल लेंगे। बाबा? हाँ, तुमको पता है ऊपर वाले से उनका कनेक्शन है, अब वही बाबा भूत भगाएगा। में बहुत नुकसान हो रहा था लेकिन बाबा के पास आने के बाद सब उल्टा हो रहा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अंदर लो बाहर निकालो, सांस इन सांस आउट लगाओ। चुप, साउथ ये चला, ये बाबा का इलाका है, बाबा को सब खबर है, तू चुपचाप बैठ। अंतरात्मा की प्यास बुझाओ। ब्रदर्स और उनकी सिस्टर्स, बाकी ढोंगी बाबाओं की तरह बोरिंग प्रवचन से मैं आपको नहीं पकाऊंगा, हम कुछ हटेला करेंगे। आई विल प्यार से टचिंग यू, आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर का सब कुछ बताऊंगा। गर्ल्स प्रोसीड। ये दो जवान हसीनाएं पकड़ के मेरा हाथ, चलेंगी मेरे साथ। Careful, don't fall me down, आहा, नीचे नहीं। उफ, sorry. मुलायम बाल चिकने आसू छे, ये तो ठरकी पने पे उतर आया, फ्रॉड है एक नंबर का। अरे चुप, ये बाबा गिरी है। Congratulations, Rita. You are pregnantum. पर आप तक पति से ये बात hiding है? माँ कसम, क्या पकड़े हैं? ये तो मेरा secret था। पहला ही महीना चल रहा है। मैं आज अपने husband को बताने ही वाली थी। इसमें मेरा कुछ नहीं, जगदीश बाबा का हाथ है। तुम्हारा सीक्रेट पहले ओपन्स किया, बहुत बहुत सॉरीज। ओह, रसमलाई जैसे बाल, मतलब दाढ़ी के बाल। चन्नू मचक्कू दो भाई 25 साल पहले बिछड़े, आज मिले। यादों की बारात पार्ट टू मेकिंग। बाबा सही पकड़े, कहीं पे नहीं आए बाबा। दूसरों का माल नो टचिंग, सिट डाउनिंग। ओके ओके। थर की टकला कहीं का, अभी कोई डिजाइनर पीस टच करने को मिले। बाबा की पार्टी में तुम चोर उचक्कों का कोई काम नहीं, लोगों का पॉकेट मार के अपनी जेब हॉट करते हो, इसलिए मैं डिजिटल पॉकेट रखता हूँ। देखा हिमेश भाई, ये अंदर नहीं अंदर यामी है। गाल झंझनाविंग। होता है होता है, अज्ञानी की ड्यूटी है पाप करना, ज्ञानी की ड्यूटी है माफ करना। आज की पार्टी सभा खत्म, आओ मुझे मलम दान करो। आपको मलम लगा दूं? ये मुझे पहले फ्रॉड लग रहा था पर अब नहीं लग रहा, ये सही है। चल उससे बात करते हैं। हो, हो, हो। अब कैसा लग रहा है बाबा? तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द हवा हो गया, पतली गली पकड़ के निकल गया। आहा, हु आर यू लोग, दिख नहीं रहा, चल रहा है मलम भोग। बाबा प्राइवेट में कुछ बोलना है। सॉरी, विजिटिंग आवर्स ओवर, बाबा ओवर टाइम नहीं करते। बाबा जी बहुत ही सीरियस मामला है। ओए, आई आल्सो सीरियसली टॉकिंग, तुम्हारा टॉक टाइम खत्म, नो रिचार्ज, गो।
भोग में रोक टोक, नींद आ रही है, कुछ और आ रहा है। सुन, अपने पास वक्त बहुत कम है और ये बाबा अपनी बात ही नहीं सुन रहा। पर इसके डर से हम खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। बरोबर बरोबर। ये जो फोटो है इसमें टांगे नहीं दिख रही है। आंख से देख। चल चल। रानी, कोई नई बकरी फंसी? रानी, ये कौन है? अरे मुझे क्या मालूम, मैंने क्या इसके घर का राशन कार्ड बनाया? रानी करीब आओ ना, पलंग आसन करेंगे। लगता है ये आसन मार्केट में नया है। आओ रानी। आए रानी, हाथ राजा जैसे तगड़े हो गए, मेरे योगा से हरी भरी हो गई हो। आ, ताल से ताल मिला, बहुत मजा आएगा। आजा, आजा, आ। ए, लसुन प्याज का हलवा खाए क्या? तुम लोग यहाँ फिर से? तुम गए नहीं? आओ, बाबा जगदीश, ब्लेस मी। निकल तो नहीं लिया? जा उठेगा। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों ले आए? What is this place? अंदर ही हम होके हम लोग से काय के लिए पूछते? कल्लू, चार आँख वाले उल्लू, तुमने बाबा को किडनैप किया है। आई लव बाबा, क्या ज्ञान है। हाथ देख के बताओ, धोया कि नहीं? हाथ से बदबू आ रही है। धोया नहीं, चिकन खाया था ना। कहाँ कहाँ खुजाया होगा, वही बाबा को सुंघाता है। क्या पकड़े ले बाबा ने, मैं तो खुजा ही रहा था। मेरी तारीफ कभी और कर लेना। आया मोटा भाई, मजबूरी थी इसीलिए किडनैप करना पड़ा। आपकी पावर्स की जरूरत है। पावर्स? गाल सहला के प्रेगनेंसी बताने वाला तंत्र? घोचू, वो कोई तंत्र मंत्र नहीं था, वो सारे मेरे स्टाफ के लोग थे। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते हैं। और वो जो पॉकेट मार से मार खाई, हम दोनों ने उसे देखा था पर्स मारते हुए। हेलो, पर्स मारने का आइडिया भी मेरा ही था। लोगों का विश्वास जीतने के लिए थोड़ा बिल्डअप करना पड़ता है। सच में मार दिया। भूत भगाओगे क्या? भूत? आइला छोड़ो, मच्छर से लेके मक्खी तक नहीं भगा सकता। भूत के नाम से मेरी सूसू निकल जाती है, मैं नहीं रुक सकता। बाथरूम उधर नहीं, इधर है। क्या रे सिल्वर जुबिली, शमशान से वापस आया? आधार नहीं था क्या? बाबा जगदीश, कौन है तू? रोज हमारी फ्राइड राइस क्यों खाता है? भूख लगती है इसलिए खा लेता हूँ। अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं और क्यों नहीं जाता? मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। इस बूढ़ों को बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी इस जगह से नहीं निकल पाओगे। क्या फेंक रहा है बूढ़े, क्यों नहीं जा सकते? जिंदा रहोगे तो ही निकल पाओगे ना। वो काली भूतनी जिंदा नहीं छोड़ेगी। काली भूतनी क्या करेगी वो? जिस दिन वो काली भूतनी आएगी खुद ही पता चल जाएगा। बकवास बंद कर और बता असली बात क्या है। सच बोल, क्या है? वरना मार दूंगा। बताता हूँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इस राजमहल के पास ही रहता था। उस वक्त इस राजमहल में एक लड़की रहती थी, बहुत ही खूबसूरत। उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया और मन में ख्याल आया कि काश उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। आह, क्या नजारा है, एक चांद दूसरे चांद को निहार रहा है। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कौन है? कौन है बाहर? वहां जाकर छुप जाओ। जल्दी जल्दी करो। कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम तारक है, अरुण से मिलने जा रहा था। तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखकर साइकिल में अपने आप ब्रेक लग गया। अपनी दिल फेंक बातों से कितनी हसीनाओं को घायल किया है। कभी नहीं, आज तक ऐसी कोई लड़की दिखी ही नहीं। तुम्हें देखा तो दिल की बात जुबान पर आ गई। मुझे बुद्धू मत बनाओ वरना मैं। तुम ऊपर आ जाओ, पापा जाग गए। आता हूँ। यही मौका है दिल की बात बता दे। आराम से। हाँ, तुमने कहा इसलिए पहली बार चोरों की तरह आ रहा हूँ। ऐसे चढ़ के आना मुश्किल है। प्रैक्टिस कर लो, मुझसे हर रोज मिलना है तो इसी तरह आना होगा। अगर तुम रोज मिलो तो ये कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे ये बताओ, हम कहीं बाहर मिले? जहाँ भी तुम बोलो। क्या हुआ? hey, क्या बात? मैंने कुछ गलत कहा? कोई दूसरी बात करो ना।
बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ बात क्या है, तुमको छुपा रही हो? मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्यों? मेरे भैया और भाभी ने मुझे कैद करके रखा है। किसने? अरुण और उसकी पत्नी ने? हाँ वही। लेकिन वो चाहते क्या है? मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये घर मैं उनके नाम कर दूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। दिन रात मेरे ऊपर जुल्म करते हैं। वो देखो, कलकत्ता से एक तांत्रिक को बुलाया है मुझे मारने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे अपने वश में कर रहा है। हाँ? क्या पागलपन है। इसीलिए आसपास रहने वाले लोग इस घर में कभी नहीं आते, ना ही वो इस घर को खरीदना चाहते हैं। ये तो गलत है। तुम्हारे भाई पर मुझे पहले से ही शक था। मैं ये होने नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? देखो अंदर मत जाओ। घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। मुझे देखना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। महाकाली। ओम यंत्र तंत्र परमंत्राय नमः। ओम रीम क्लीम सर्व दुष्ट संहारिणी नमः। बलि देने का उत्तम मुहूर्त है, मन में कोई संदेह तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो इस घर में है, ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं। और किसी को पता चला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ओ, अब जाओ। खोलो दरवाजा, खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी खोलो। चलो चलो, अरुण दरवाजा खोलो। चलो मेरे साथ आओ, कूदो कूदो जल्दी, वक्त नहीं है। चलो चलो आ जाओ, आओ ना जल्दी, डरो मत, मैं हूँ ना। मुझे डर लग रहा है। चलो चलो, घबराओ मत। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तुम कोई और तरीका निकालो ना। ठीक है, फिलहाल तुम यहीं रुको, घबराओ मत, मैं दोस्तों को लेकर आता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, उन लोगों को दरवाजा मत खोलने देना। हिम्मत मत हारना। ए अरुण, कहाँ है तू? लो, आ रहा अरुण। जल्दी से कुछ करो, उन्हें यहाँ मत आने देना, सब बर्बाद हो जाएगा। जाके रोको उन्हें। आ रहा। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? हटो, हट। ए तारक, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? ए बकवास बंद कर, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या कहा? मेरी बहन को देख लिया तूने? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दोस्तों के सामने मुझे ही मारेगा। अबे रुक, रुक, अरुण, ए अरुण, कहां गए सब लोग? सबके सब गायब हो गए। मोहिनी यहां? ये तो अरुण के घर के पेपर्स हैं। कौन है? कौन है वहां? अरे तुम यहां? हाँ, तारक, मुझे तो लगा कि हम लोग हमेशा के लिए बिछड़ गए। घबराओ मत, हम बिछड़ने के लिए नहीं मिले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे तुम तो पूरे
पूरी तरह भीग गए हो। चलो मैं तुम्हारे बाल सुखा दूं। मुझे बहुत डर लग रहा था, सोचा तुम्हें कुछ हो ना गया। अरे ये क्या, यहाँ तो लिखा है राजमहल का मालिक अरुण है। तुमने तो कहा था प्रॉपर्टी के लिए वो तुम्हें तंग कर रहा है। जब वही मालिक है तो वो तुम पे जुल्म क्यों कर रहा था? मुझे मत मारो, मत मारो। अगर तू यहाँ से बाहर गया तो जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। उस दिन मुझे पता चला कि मोहिनी जिससे मैं प्यार करता था वो एक आत्मा है जिसे उस घर में रहने वाला अरुण तांत्रिक की मदद से मोक्ष दिलाना चाहता था। लड़की को दिल में कैद करने गया, ये खुद ही उम्र कैदी बन के रह गया। क्या बुढ़ा ना घर का ना घाट का। मने को तुम्हारे हिसाब से वो भूतनी सालों से यहीं पर रह रही है, पर इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सी कहानियां हैं इसके पीछे, लेकिन इस घर का सच सिर्फ मुझे पता है। ये घर किसी मोहिनी नाम की औरत का हुआ करता था। इस घर को खरीदने के लिए बहुत लोगों ने कोशिशें की, जब नहीं मानी तो उसे जहर देकर मार दिया। जो भी इस घर को खरीदता है वो मारा जाता है, और अब अगली बारी उस इंसान की होगी जिसके नाम ये घर होगा। सिल्वर अंकल, एक छोटा सा डाउट है, भूतनी काली है या फिर वो नाती नहीं है? वो काली नहीं है। होगी तो मैं जरूर, वो भी तुम लोगों के खून से, एक एक का खून चूस कर इस महल की दीवारों पर रखूंगी मैं। तू है ना इस राज महल का नया मालिक, सबसे पहले तेरा खून पीऊंगी मैं। मैं समझ गया बॉस, भूत ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है मेरे को मालूम है, मैं गूगल से सॉल्यूशन निकाल के आता हूँ। डिनर के लिए मैं फ्राइड राइस बनाना है। दूसरे कमरे में जाके तंत्र विद्या से भूत भगाता हूँ। जा 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 बाबा जगदीश। ये सब क्या? सुनो, मोहिनी लौट आई है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ? अगर मैं रुका तो वो मुझे भी मार डालेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे, 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 बात तो सुनो, मुझे मार डालेगी। हाँ हाँ मार डालेगी। बचने का कोई तो रास्ता होगा? कोई रास्ता नहीं है। हटो हटो, मैं खोलता हूँ। खोलो खोलो, जोर लगाओ, खोलो जल्दी। अरे मरना कन्फर्म हो गया। दरवाजा बंद की रात है, हमारी जिंदगी की आखिरी रात, 12 बजते ही हमारे 12 बज जाएंगे। 12 बजे ऐसा क्या होगा? अरे इमेश, इमेश इधर आ रहे। सनी, सनी सनी, आंखें खोलो सनी। सनी, लगता है मोहिनी की आत्मा इसमें चली गई थी, वो इसी के हाथों मुझे मरवाना चाहती है। जा रहे हो बाबू? सनी बेबी, इमेश, सनी तुम ही हो ना? अरे भैया, उठो 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 उठो, क्या पटक पटक के मार रही थी तू मुझे? ए रेशमिया, तुझे लगी तो नहीं ना? रेशमिया चुप क्यों है, जवाब देना।
हिमेश, मुझे हंसने की आवाज आ रही है वहां से। भूतनी कहीं से भी आए, मारती सिर्फ मुझे ही है। अरे, अरे बाबा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेचारी डर गई थी, करेज दे रहा था। तुम भी आ जाओ, मिलके डर को रनवे करेंगे। करेज चादर के नीचे नहीं देता। कुछ तो करो, थोड़ा बहुत जादू टोना भी नहीं आता क्या? कोई तो टोटका मारो उस भूतनी पे। Once upon a time, जगदीश बाबा ने एक टोटका सिखाया था, अब जब वो आएगी तो उसे उस पर मारूंगा। हैं? सनी? बचाओ भी। कैसे भूतनी को चकमा दे दिया यूसा? आओ दोनों मिलके खेलेंगे सीसा, तुम्हारी किस्मत चमका दूंगा। उस भूतनी को मारने के बजाय मुझ पर लाइन मार रहा है। जब जगदीश बाबा हो साथ तो डरने की क्या है बात। देखो चलो, फॉलो मी। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हिमेश, फुल सन्नाटा है। तू ठीक तो है ना हिमेश? कुछ बोलना। यू वेरी बैड आत्मा, तुझे महान जगदीश बाबा की स्वेर, इस घर से कल्टी हो जा। क्यों डर लगने लगा? आई से गेट आउट। जगदीश बाबा सर फोड़ो यानी। हिमेश, हिमेश अमिया सुन ना, मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। लियोनी, वो भूतनी गई कि नहीं, सच्ची बोलना। कब चली गई भाई? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, खोल मत, उस डायन की कोई चाल हो सकती है। ठीक है, तुम ही मेरी बहनों इस बात का सबूत क्या है? मैं बंद दरवाजे में कैसे प्रूव करूं? सिर्फ हम दोनों ही जानते हो। ऐसा कुछ बताओ, कुछ ऐसा राज जो मुझे बताने में शर्म आए और तेरे को नहीं आए। तुम स्कूल में लड़कियों से ज्यादा चिपटे लड़कों को डांटते थे, इसीलिए तुम्हें स्कूल से निकाला गया था। और जब सनी नहाती है तो तुम क्यों से देखते हो? इतने काफी है, पूरी फाइल मत खोल। येड़े बहन, मेरे राजमहल में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या है काम? तुम्हारा क्या है काम? अब तुम्हारा काम होगा तमाम। अब दरवाजा कौन ठोक रहा है? भूतों का सरदार है क्या? तो बाहर निकलने का तरीका ढूंढ। पता होता तब तुझे क्यों बुलाता डोंगी बाबा? उसे अंदर बुलाते हैं, दरवाजा खुलते ही हम इसके चल। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम्हारा घर है तुम खोलो, हम कपड़ा संभालते हैं, तुम लड़ो। चल चलो, दरवाजा ठोक रहा है कि भूकंप ला रहा है? अरे धीरे ठोक। क्या रे, तो तू इस बिल में छुपा बैठा है चूहे के जैसा। ए कुमार, इस झोपड़ी की रोकड़ी कितनी होगी?
ये 20 करोड़ के आसपास। क्या रे रमेश, मुझे चुना और मेरे बेटे को कत्था लगा। हमारे लूटे हुए पैसे को तूने लूट लिया और बाकी बचा तुझे ढूंढने में खर्च हो गया। ऐसा कैसा चलेगा? अब सेटलमेंट के नाम पे ये महल मेरे नाम का है। मगरमच्छ खुदा के जाल में फंस गया। पहले साइन कर फिर अपना गंदा मुंह खोल। तेरी बला को अपने सिर पे ले रहे हैं, चौका मार दे। मेरा कमीशन दे देना, जगदीश बाबा मेरे मुंह पे ताला लगा देंगे। ब्लैकमेल कर रहा है, जा बता दे। क्या आपस में चुहा मीटिंग चल रहा है रे? डॉन भाई, इस घर को भूल जाओ, घर में भूत का डेरा है। ए राने, इसको आटे में ले। ए, क्या बोला रे? हिमेश, मेरे बेटे चिरकुट की शादी तो सनी से करवाने वाला था ना, और यहाँ आकर तूने खुद अपना घर बसा लिया। दबे का फॉर्मूला इसका था। कौन है रे तू? बाबा भाई। भाई कौन से बहन का भाई रे? जगत भाई। कहाँ भूत? सच कह रहा हूँ, यह भूत है भाई। पहचाना इसे? ये टीवी पर ताली बजा बजा के फिल्मी गाने गाता था। इतना ही नहीं, अपने आप को जगदीश बाबा का बहुत बड़ा भक्त बताता है। कहता है ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो पापी पेट के लिए तांत्रिक होने का ढोंग किया, फिर इन लोगों ने मुझे किडनैप किया। पहली मिस्टेक समझ के सॉरी कर दीजिए, बाहर जाके मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा। ए छोड़ दे बाबा को, इन लड़कियों को भी छोड़। चल चल निकल। ए तू कौन है रे? मैं इस होटल का मैनेजर। होटल? ओ, मेरे पैसे से और पैसा बना रहा है। सूद के साथ वसूलूंगा। होटल मेरे नाम कर। इधर आ, ये ला पकड़। अरे साइन कर। देख क्या रहा है, साइन कर ना। लाखन भाई, धोखा देना मारा खून माना थी। आ महल में भूतनी छे, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की तो तुमको जान से मार डालेगी। ए, फिर चूना लगा रहा है। अरे पन, लाखन भाई, चल साइन कर। नहीं, भांगी ना की करता हूँ ना साइन। भाई वजन थोड़ा कम कर। साइन कर। कर रहा हूँ। अपनी मौत को खुद दावत दे रहा। क्या औरत चाले कर रहा है? स्पेलिंग याद कर रहा हूँ यार। चल जल्दी से ये जगह खाली कर। मेरी जवानी बर्बाद। सबको उठा के बाहर फेंक। लाखन भाई, ढोंगी संभाल के। मुझे बुद्धू बना लो। चल, आज से ये राजमहल मेरा हुआ, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इंसानी गोश्त मिलेगा? मिलेगा, जाइए जाइए ना। और एक बाल्टी गरम खून भी, बहुत भूख लगी है। मम्मी बची गई। बाय बाय राजमहल। तुम भी मर के आत्मा बन गए। अरे लाखन भाई, बोला था ना महल अपने नाम मत करवा, पर सुना नहीं। अब हटको, अहमदाबाद नी कसम, महल तो गियो। टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। अपन ऑनलाइन भजिया बेचेंगे, तुम भजिया तलना और मैं गली गली घूम के डिलीवरी देता रहूंगा। या गांडा चुप।